हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। आज ये है मास्टर वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स क्लास नाइन्थ का सभी चैप्टर एक साथ देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि नाइन्थ क्लास का जो फिजिक्स है उसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से यूनिट्स एंड मेजरमेंट आता है, स्पीड एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड इट्स रूल, ग्रेविटी, वर्क पावर एंड एनर्जी और साउंड आता है, ठीक है। इससे संबंधित जो पर्सनली वीडियो है, एक एक करके मैंने 6 चैप्टर को कंप्लीट करा है। आप चैनल में इस तरीके का थंबनेल देख करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 6 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है पहले ही, जिसमें सेपरेट चैप्टर का सेपरेट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी चैप्टर हैं, 6 का 6 चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला है। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, वीडियो को या तो आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। YouTube ने एक फैसिलिटी दिया है कि आप वीडियो के स्पीड को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विज्ञान। देखिए, हम लोग साइंस तो पढ़ते हैं, लेकिन साइंस के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि आखिरकार विज्ञान कहाँ किसको जाता है, ठीक है। देखिए, हम अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं और उस काम से ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो हमारा काम कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कंप्लीट हो भी या नहीं भी हो, अगर नहीं होता है तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो उससे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे उसमें हम सफल हों या असफल हों, असफल अगर होते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। तो मान लेते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो मान लेते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो लगे होते हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो सकता है कि वो कम्प्लीटली ना बन पाए, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग करके सेकेंड अटैम्प्ट लेते हैं और उसमें वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बल्ब के आविष्कार के लिए एडिसन ने बहुत बार प्रयोग किया, तो उन्होंने जितना बार प्रयोग किया होगा सभी प्रयोग में उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, इसी को विज्ञान कहते हैं। मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात कर लें विज्ञान की शाखाएँ की, तो विज्ञान की कितनी शाखाएँ हैं, तो 2 शाखाएँ हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका फिजिकल साइंस, ठीक है, एक क्या हो जाएगा फिजिकल साइंस, और एक हो जाता है आपका बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो फिजिकल साइंस में क्या होता है कि हम लोग जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एस लाइक एनर्जी, ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन सभी का स्टडी करा जाता है फिजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग खास करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किसी भी राशि के मापन के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है मात्रक। क्या कहा जाता है, मात्रक। कोई भी राशि होती है उसको हमको मापने के लिए किसी न किसी माप की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हम दुकानदार के पास जाते हैं चावल लेने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को चावल चाहिए, हम लोगों को क्वांटिटी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो चावल का जो क्वांटिटी होती है वो हमको बताना पड़ेगा, तो 1 या 2 केजी, क्या 1 या 2 केजी, तो हम लोग यहाँ पर एक केजी वर्ड का यूज़ कर रहे थे। ये जो केजी है यही क्या है, आपका मात्रक है। और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो संख्यात्मक मान की और एक मात्रात्मक मान की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो किलोग्राम आपका आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, मात्रक आ रहा है। तो वही कहा गया है कि किसी भी राशि के मापने के लिए कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक आधारी और एक व्युत्पन्न राशि, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आधारी राशि क्या होता है। देखिए, आधारी राशि वैसी राशियों को कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि स्वतंत्र होता है या किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो पॉइंट ए से, ठीक है, चल करके आता है पॉइंट बी तक, तो इसने कुछ लंबाई तय किया,
तो इस लंबाई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 5 मीटर, तो हमने इसको क्या लिखा, मीटर में लिखा। तो मीटर क्या है, स्वतंत्र, ये किसी पर डिपेंड नहीं है क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि हम कह दें कि ये जो कोई व्यक्ति है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, ये चला मान लीजिए 1 सेकंड में 5 मीटर, तब यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दिया गया, मीटर भी मेंशन कर दिया गया, तब ये स्वतंत्र नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कहलाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो राशि है आपका मीटर पर भी डिपेंड कर रहा है, सेकंड पर भी डिपेंड कर रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपका व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 आधारी राशि आ गया, तो जो आधारी राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है व्युत्पन्न राशि, और जो राशि स्वतंत्र होती है उसे कहा जाता है आधारी या मूल राशि, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि जो 2 प्रकार के होते हैं, आधारी वैसी राशि को कहा जाता है जो स्वतंत्र माना जाता है, 6ठा क्वेश्चन वही है कि वैसी राशि जिसे स्वतंत्र माना जाता है क्या कहलाता है, आधारी राशि, और जो राशि स्वतंत्र नहीं होती है आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। नेक्स्ट है FPS पद्धति का पूरा नाम क्या है। तो देखिए अलग अलग जगहों पर मापन के लिए अलग अलग पद्धति का यूज किया जाता है, ठीक है। इंडिया में कुछ अलग, अदर कंट्री में कुछ अलग, ठीक है। तो उसी पद्धति में एक आता है FPS पद्धति। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है तो इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड होता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ले कि FPS पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, तो फुट पाउंड सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है CGS पद्धति। CGS पद्धति को कहा जाता है क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कहा जाता है CGS पद्धति को, ठीक है। आपने CGS पद्धति भी बहुत बार सुना होगा। उसी दरमियान एक और आता है MKS पद्धति। MKS पद्धति का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो ये पूरा नाम याद रखिएगा, बहुत बार हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले कि FPS पद्धति का, तो फुट पाउंड सेकंड। CGS पद्धति का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और MKS पद्धति का मीटर किलोग्राम सेकंड। अगला है आधारी राशियों की संख्या कितनी है, तो आधारी राशियों की संख्या 7 है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए ऐसा यूनिट का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है। देखिए सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट जो है ये सबसे पहले 1960 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें 1971 में एक और राशि जोड़ी गई थी। 1960 में जो था, 1960 तक अगर हम बात करें तो कुल जो था 6 आधारी राशियों की संख्या थी 1960 तक, ठीक है। और इसी समय ऐसा पद्धति स्टार्ट हुआ था, कब, 1960 में। लेकिन पूर्ण रूपेण अगर बोला जाए कि ऐसा पद्धति कब अस्तित्व में आया था, तो वो हुआ था 1971 में। क्यों? क्योंकि 1971 में 7वां जो आधारी राशि है उसको इंक्लूड करा गया था। तो कौन? तो पदार्थ का परिमाण। किसको ऐड करा गया था? पदार्थ के परिमाण को। तो पदार्थ का परिमाण जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो उसका ऐसा यूनिट होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा पद्धति कब अस्तित्व में आया, 1971 में, ठीक है। ऐसा पद्धति कितने प्रकार के हैं, 2 आधारी और संपूरक। और संपूरक राशियों की संख्या कितनी है, तो संपूरक राशियों की संख्या 2 है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का अगर मान लेते हैं ऐसा यूनिट पूछता है, तो याद रखिएगा समतल कोण का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और अगर आपसे पूछ ले घन कोण, घन कोण को ठोस कोण भी कभी कभी बोल दिया जाता है, तो घन कोण या ठोस कोण का जैसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समतल कोण का ऐसा यूनिट रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। नेक्स्ट है लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, केजी इसका संकेत है। समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, सेकंड, एस इसका संकेत है, या इसको कभी कभी SEC भी लिख दिया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला। और पदार्थ के परिमाण का ऐसा मात्रक मोल। और यही जो है मोल, इसको जोड़ा गया था 1971 ईस्वी में, ठीक है, ऐसा यूनिट के रूप में, यानी यूँ कह लें आधारी राशि के रूप में। 1 मिलीमीटर का मान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए आपने मानक उपसर्ग भी पढ़ा होगा,
जैसे मान लीजिए कि आपको लंबी दूरी तय करनी हो, अगर मान लेते हैं कि आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस लिखने को बोला जाए तो आप इसको 5 किलोमीटर या 5000 मीटर ईजिली लिख लीजिएगा। लेकिन जब काफ़ी लंबी दूरी होती है तब उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक मानक उपसर्ग बना दिया गया। ठीक है, तो मानक उपसर्ग की बात करें तो 1 मिलीमीटर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10^3 मीटर होता है। ठीक है, या 10^-3, आप इसको ऐसे याद रख लो। ठीक है, 10^-3, ठीक है, 10^-6, 10^-9, 10^-12, 10^-15 और 10^-18। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, यह हो जाएगा मिली, ठीक है, यह हो जाएगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यानी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है, 10^3 को कहा जाएगा मिली, 10^6 को कहा जाएगा माइक्रो, 10^9 को नैनो, 10^12 को क्या कहा जाएगा, पिको, और 10^15 को क्या कहा जाएगा, फेमटो, और 10^18 को क्या कहा जाएगा, एटो कहा जाएगा। तो भाई यहाँ पर 1 मिलीमीटर का वैल्यू कितना होता है, तो 10^3 मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर का पूछ लेगा तो 3^6, 1 नैनोमीटर का 3^9, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ, इसके लिए इसको याद रखिएगा। 1 पिकोमीटर का वैल्यू 10^12, 1 फेमटोमीटर का वैल्यू 10^15 और 1 एटोमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10^18 मीटर। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर का मान कितना होता है, 1 किलोमीटर का आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 मीटर, बस इसी को 1000 मीटर को 10^3 मीटर कर दिया। ठीक है, तो वही है, 1 किलोमीटर का वैल्यू 10^3 मीटर, 1 मेगामीटर का वैल्यू 10^6 मीटर, गीगामीटर, 1 गीगामीटर का वैल्यू 10^9, 1 टेरामीटर 10^12 और 1 पेटामीटर 10^15 और 1 एक्सामीटर आता है 10^18। इसको भी आप याद रख सकते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। कैसे, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, 10^3, 10^6, 10^9, 10^12, 10^15 और 10^18। आप 3 दिन का सीक्वेंस याद रखिएगा, हो जाएगा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, गीगा को कभी कभी जीगा भी लिखा जाता है, और टेरा, पेटा, एक्सा, जिस तरीके से मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो था उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, वहाँ पर था इन्वर्स में, लेकिन यहाँ पर प्लस पावर है, क्या हो जाएगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, चलिए आगे है, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। अब देखिए, क्षेत्रफल जो है एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है। आप कहिएगा कैसे, तो किसी भी, अगर मान लेते हैं कोई भी एरिया दिया गया है, कोई भी क्षेत्र दिया गया है, और उसका बोलेगा अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है लंबाई गुने ऊंचाई का। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। कब, जब 2D होता है, 3D जब होगा, 3D अगर आकृति होगा तो उसमें एक चौड़ाई जुड़ जाता है। ठीक है, तो लंबाई किस में होगा, किसी न किसी मीटर में ही होगा, तो मीटर इंटू ऊंचाई भी किस में होगा, मीटर में ही होगा, तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, घनत्व की बात कर लें तो घनत्व का जो वैल्यू होता है, तो घनत्व इज इक्वल्स टू होता है क्या, द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी, और आयतन का क्या हो जाता है, MQ। ठीक है, तो केजी मीटर प्रति क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। दाब का ऐसा है मात्रा का, अब देखिए दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। हालांकि कभी कभी दाब का ऐसा है मात्रक आपका पास्कल भी दे देता है, संकेत PA होता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यानी कि बल प्रति एकांक, यानी कि नीचे आएगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल नीचे आएगा आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका दाब। ठीक है, तो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0° सेल्सियस या 273 केल्विन। 0° सेल्सियस पर बर्फ़ के रूप में यह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जल, इसीलिए इसका जो गलनांक हो जाएगा वो 0° सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या, जल का क्वथनांक जो होता है वो 100° सेल्सियस होता है। कितना, 100° सेल्सियस होता है। अगला है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ठीक है,
ऊर्जा कैसा है, मात्रक क्या होता है, जूल, और कभी कभी सीजीएस वैल्यू पूछ लेता है, तो सीजीएस वैल्यू याद रखिएगा कैलोरी, और सीजीएस वैल्यू में ही ऊर्जा का जो माप की जाती है वह सीजीएस वैल्यू में ही की जाती है, यानी ऊष्मा ऊर्जा जो होता है ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, एक कैलोरी का वैल्यू कितना होता है, तो एक कैलोरी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 4.186 के करीब होता है। ठीक है, तो ये 186 जो है तकरीबन आपका 2 के करीब है, इसीलिए इसका वैल्यू जो होता है 1.2 जूल लिया जाता है। ठीक है, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो एक इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है किसी राशि के विवरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कोई भी राशि है उसको उसके विवरण के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो संख्यात्मक मान और एक मात्रात्मक मान। जैसे मैंने बताया था कि आप दुकानदार के पास जाओगे तो ये नहीं कहोगे कि मेरे को सिर्फ चावल चाहिए, उसको आपको मात्रा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर जाते हो चावल लाने तो आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई मेरे को 2 लीटर चावल चाहिए, क्योंकि लीटर में तो चावल आता नहीं, हमको कहना पड़ेगा केजी। ठीक है, तो 2 संख्यात्मक मान हो गया और केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी प्रकार से मान लेते अगर दूध लेना हो तो 2 लीटर हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 लीटर। तो यहाँ पर भी 2 संख्यात्मक मान हो गया और लीटर जो हो गया मात्रात्मक मान हो गया। तो कोई भी राशि है उसको व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक संख्यात्मक मान की और एक मात्रात्मक मान की। नेक्स्ट है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रम का मान हो जाएगा आपका 10^-3 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10^-3 मीटर जो होता है एक एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है, और एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य जो होता है उसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, तो 45 प्रश्न थे, उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिए, या इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल TTN स्टडी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर है चाल एवं दूरी। देखिए, नव फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु किस में कही जाती है, किस में, गति में कही जाती है। आपसे यदि मोशन का कभी कोई परिभाषा पूछता है, ठीक है, देखिए यहाँ से आपका थ्योरी भी कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, चलिए मोशन का परिभाषा यदि पूछता है तो आप मोशन कब कहेंगे। देखिए, मोशन जो होता है, मान लेते हैं मोशन एक प्रकार का सापेक्षिक गति है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो वस्तु है किस में है, गति में है। तो वही क्वेश्चन पहला कहा गया है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु किस में कही जाती है, तो गति में कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, कुछ इस तरीके से चल करके आता है बी वाले पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और बी वाले पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो ये जो पथ की कुल लंबाई है, ये जो ट्रेवल किया जा रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो ये पथ की कुल लंबाई हमारा क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। लेकिन अगर हम वही पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस की बात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो न्यूनतम डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे, विस्थापन। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जो न्यूनतम दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये वस्तु, ठीक है, ये वस्तु पॉइंट ए से चल करके बी तक गया। ठीक है, तो ये इसके द्वारा तय की गई जो विस्थापन है वह धनात्मक हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक रिवर्स आ गया सेम पॉइंट पर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू क्या जाएगा, शून्य जाएगा, और अगर पीछे की ओर जाता है तो यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब है कि विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है और शून्य भी जा सकता है। तो वही प्रश्न अगला है कि विस्थापन का मान क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला है मूल बिंदु के बाईं ओर जाने पर विस्थापन का मान क्या होगा। मैंने अभी जस्ट बताया, जैसे कि मान लीजिए कि यह आपका कोई चतुर्थांश है और यह आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन पॉइंट है, तो इससे बाईं तरफ जाने पर जो विस्थापन होगा उसको नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और दाईं तरफ जाने पर जो उसका विस्थापन है यह क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर मान लीजिए चल करके पुनः इसी पॉइंट पर आ गया तो विस्थापन का वैल्यू क्या जाएगा,
शून्य जाएगा। ठीक है, तो मूल बिंदु के बाईं ओर जाने पर जो होता है विस्थापन, उसका वैल्यू क्या जाएगा? ऋणात्मक जाएगा। मूल बिंदु के दाईं तरफ जाने पर पॉजिटिव जाएगा। और याद रखिएगा, कभी भी अगर पूछ ले कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होता है वो आपका ओरिजिन से मापी जाती है, यानी कि मूल बिंदु से मापी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, बल, वेग, विस्थापन और त्वरण किस प्रकार की राशि है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि सदिश राशि आखिर कहा किसे जाता है। ठीक है, तो देखिए, सदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर है तो उस राशि को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि किस प्रकार की राशि है, तो सदिश राशि है। और यहाँ से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कि वेग किस प्रकार की राशि है। ठीक है, तो बोलिएगा सदिश राशि। बल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। त्वरण किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो सदिश राशि होता है उसमें व वर्ण का यूज होता ही होता है। मैक्सिमम, आप अगर मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, सभी नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम जो सदिश राशि होता है उसमें व वर्ण का यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको नहीं पता है और अगर तुक्का मारना चाहते हैं, अगर उसमें व वर्ण है, ठीक है, तो आप वहाँ पर उसको सदिश राशि में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी सदिश राशि है ना, तो उसके पहचानने का एक तरीका होता है। ठीक है, कोई भी अगर मान लेते हैं सदिश राशि है तो उसको पहचानने का एक तरीका होता है। मान लीजिए कि एक्स एक सदिश राशि है, तो अगर इसके आप ऊपर एरो का साइन है तो आप समझ जाइएगा कि ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि के पहचान के लिए ही उसके ऊपर में एरो का साइन दिया जाता है। छठा नंबर प्रश्न वही कह रहा है कि सदिश राशि के पहचान के लिए अक्षर के ऊपर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जिसमें दिशा होता है, ठीक है, और प्लस में परिमाण होता है, तो दिशा और परिमाण यदि दोनों हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। ठीक है, अब अगर जिसमें दिशा नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, तो उस प्रकार की राशि को हम बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलेंगे? अदिश राशि। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जिस राशि में दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण का ज्ञात हो, ठीक है, तो उसे हम अदिश राशि बोलेंगे, और जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान हमें मिलता हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, चलिए, आठवां नंबर प्रश्न है कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, मैंने तुरंत बताया सदिश राशि। अब बात करते हैं चाल का। चाल क्या होता है? चाल कहने का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी एकांक समय, इकाई समय की बात करेगा तो उसको आप हर मानेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एकांक समय यानी समय को हर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो एकांक समय में क्या किया गया? दूरी तय की गई है, तो जो दूरी तय की गई है उसको आप किस में रखेंगे? अंश में रखेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी दूरी तय करेगा तो दूरी जो तय करेगा तो उसको मापा किस में जाएगा? मीटर में मापा जाएगा। ठीक है, और समय को किस में मापा जाता है? यानी समय का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हो सकता है कि ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ भी मिले। किस तरीके से? एम एस इनवर्स वन, ये भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है और ये भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए, ध्वनि जो है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग का जो ट्रेवल होता है वह अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी अनुदैर्घ्य तरंग होती है उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्पीड होता है। तो यहाँ पर ध्वनि की सिंपली चाल की बात की गई है, तो यहाँ पर कहा गया है कितना हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर का। ध्वनि जो है निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठीक है, तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो इस्पात में होती है या फिर ठोस में होती है। देखिए, जिस भी पदार्थ का डेंसिटी जितना मैक्सिमम होगा, ठीक है, कोई पदार्थ है उसका डेंसिटी जितना अधिक होगा उसमें
जो आपका साउंड का स्पीड है वो उतना मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है साउंड का, वो आपका सॉलिड पदार्थ में होता है, जो आपका ठोस होता है उसमें। उसके बाद जो स्पीड होगा वो किस में होगा? लिक्विड में। और उस सबसे कम होता है गैस वाले में, और नहीं होगा किस में? वैक्यूम में। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? ठीक है, तो मैंने तुरंत बताया जो ध्वनि है वह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। देखिए, आपसे दो चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। एक तो आपके साउंड के बारे में पूछा जाएगा कि साउंड किस प्रकार का तरंग है, ठीक है। और दूसरा पूछा जाएगा आपसे लाइट के बारे में कि लाइट किस प्रकार का तरंग है। तो याद रखिएगा, साउंड जो है वह आपका क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। किस प्रकार का तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। और अगर लाइट का पूछता है तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग है, दोनों याद रखिएगा। अगला है, दूरी का मान हमेशा क्या होता है? तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक ही जाएगा, ठीक है। दूरी का वैल्यू जो होता है हमेशा धनात्मक जाएगा। अगला है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन आपसे पूछता है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है वी माइनस यू अपॉन टी जाता है। यहाँ पर जो वी है अंतिम वेग है, और वी जो है यू जो है आपका स्टार्टिंग वेग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आपको यह कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। आगे है, यदि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण का मान कैसा होगा? यदि वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण का मान पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, त्वरण का मान शून्य कब होगा? तो देखिए, त्वरण का मान शून्य तब होता है जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वह किसी भी वेग से जा रही है, और उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो जाएगा वह शून्य जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अभी जब स्टार्ट किया तो वह मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रही है, के वेग से जा रही है, ठीक है। और चलते चलते अंतिम जब लास्ट पॉइंट पर पहुँचा, तो उसका जो वेग हो गया वो मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकंड था और लास्ट में 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो क्या अंतर आ गया? 10-5, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में जाता है, तो जो भी टाइम लगा उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जब चेंजिंग होगा तब एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, यानी कि ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही से इसका फॉर्मूला निकलता है। जब तक वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर कहा कि त्वरण का मान शून्य कब होता है? तो त्वरण का मान शून्य तब होगा जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, एक समान चाल से गति कर रही वस्तु की दूरी समय ग्राफ कैसी होगी? तो भाई, एक समान चाल से चल रही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होगा? एकदम सरल रेखा होगा। ये तो अपने दैनिक जीवन में भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई समान गति से चल रहा है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होगा वह क्या होगा? एकदम सरल रेखा होगा। अगला है, गति का पहला समीकरण क्या है? अब देखिए, गति के समीकरण से रेलवे के एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पिछले साल का अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दिए हुईगा या आपने सेट बनाया होगा, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको गति के समीकरण से मिला होगा, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। नाम कुछ नहीं है, बस नाम इसी प्रकार है, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। हम लोग तीनों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। गति के पहले समीकरण की बात करें तो गति का पहला समीकरण क्या है? V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ V का, तो V क्या है? अंतिम पॉइंट है, यानी अंतिम वेग है कह लें, ठीक है। U क्या है? शुरुआती वेग है, ठीक है, शुरुआती वेग है। A क्या है आपका? A आपका हो जाएगा त्वरण, ठीक है, त्वरण। और T क्या हो जाएगा आपका? समय हो जाएगा, ठीक है। V क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हो जाएगा, V अंतिम वेग, U शुरुआत का वेग, A त्वरण और T समय हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गति का पहला समीकरण क्या होता है? V इज इक्वल्स टू U प्लस ए टी, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये समीकरण आया कहाँ से? तो मैंने अभी बताया था, A इज इक्वल्स टू क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी, यही ने बताया था, ठीक है। अब अगर मान लीजिए टी को आप इधर ले जाते हैं, बराबर के इधर, तो ये क्या जाएगा? ए टी इज इक्वल्स टू
v माइनस u, यही होगा ना। अब अगर मान लीजिए कि v को इधर u को इधर लाते हैं तो u जो है वो माइनस में है, तो u इधर आएगा तो इधर सिर्फ v बचेगा, यानी कि at और v, u इधर आ जाएगा तो प्लस u इज इक्वल्स टू v। तो देखिए आ गया ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला समीकरण है गति का, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति के पहले समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको वेग समय समीकरण के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है वेग समय समीकरण? देखिए गति का जो कुछ पहला समीकरण है v इज इक्वल्स टू क्या है, u प्लस at, ठीक है। देखिए v यानी कि वेग और यहाँ अंतिम में क्या है, समय। तो वेग और समय के बीच के रिलेशन को यह दर्शाता है। गति का जो पहला समीकरण है वह किसके किसके बीच का रिलेशन दर्शाता है, वेग और समय के बीच का रिलेशन दर्शाता है, इसीलिए इसको वेग समय समीकरण कहा जाता है। आपसे ऐसा भी पूछ लेगा कि गति का जो पहला समीकरण है उसमें किसके किसके बीच संबंध दर्शाया गया है, तो वेग और समय के बीच। या पूछ लेगा गति के पहले समीकरण में समय और किसके बीच, तो वेग के बीच संबंध दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गति का दूसरा समीकरण क्या है। तो गति का दूसरा समीकरण है टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर एस क्या है आपका, एस आपका क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन गति के समीकरण में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। यू क्या हो जाएगा, मैंने तुरंत बताया था, यू क्या हो जाएगा आपका शुरुआत का वेग हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन, और टी क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। तो याद रखिएगा गति का दूसरा समीकरण एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आप उल्टा पुल्टा मत करिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। गति का जो दूसरा समीकरण है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि गति का जो दूसरा समीकरण है वह किसके किसके बीच संबंध दिखाता है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था क्या है गति का दूसरा समीकरण, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने जस्ट बताया कि स्टार, ये देखिए आप किसका है, विस्थापन, और ये क्या है, समय है। तो विस्थापन और समय के बीच की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, विस्थापन और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, विस्थापन और समय। कभी कभी विस्थापन के जगह पर आपको स्थिति दे देगा, अच्छा अच्छा स्थिति दे ही गया है, स्थिति और विस्थापन नहीं, स्थिति और समय, ठीक है, स्थिति और समय, क्योंकि स्थिति और विस्थापन को यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है ना, स्थिति को विस्थापन से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वह किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो एक तो आपका समय, ठीक है, और किसके बीच, विस्थापन के बीच, ठीक है। मैंने कहा अभी तुरंत कि विस्थापन को कभी कभी स्थिति से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो यह भी याद रखिएगा, या तो समय विस्थापन कह लेगा या तो आपका समय स्थिति कह लेगा। अगला प्रश्न है गति का प्रथम समीकरण समय और किसके बीच संबंध बताता है। तो बताइए गति का पहला समीकरण क्या है, याद कीजिए, अभी मैंने तुरंत बताया गति का जो पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल्स टू क्या था, u प्लस ए टी था, ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो समय और किसके बीच, वेग के बीच संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच। अगला है वेग समय समीकरण किसे कहा जाता है, तो यही है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, देख लीजिए आपको वेग और समय के बीच संबंध बताता है, तो गति का पहला समीकरण, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, गति का पहला समीकरण। अगला है स्थिति समय समीकरण किसे कहा जाता है, तो स्थिति समय समीकरण, अब देखिए स्थिति समय जो है समीकरण में कौन सा आ रहा था, तो कौन सा आ रहा था, याद है आपको, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, स्थिति ये है, समय ये है। तो स्थिति और समय के बीच जो संबंध दर्शा रहा है वह कौन सा, गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। अब आते हैं तीसरे समीकरण के ऊपर, गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये गति का तीसरा समीकरण है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है गति के तृतीय समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए क्या है, वेग है और स्थिति है, तो वेग और स्थिति समीकरण कहेंगे, या मैंने तुरंत बताया था कि स्थिति को विस्थापन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वेग और विस्थापन समीकरण कहा जाता है।
फिर कह रहा है कि गति का तृतीय समीकरण वेग और किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, तो वेग और किसके बीच, विस्थापन के बीच समय दर्शा रहा है। तो देखते रहे ना, एक आप अगर ये याद कर लेते हैं समीकरण, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं बस ये एक समीकरण याद करने के वजह से। तो समीकरण इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण। देखिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो जो चक्कर लगाता है यह वृत्तीय पथ पर लगाता है, इसीलिए उसमें वृत्तीय गति पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में किस गति का उदाहरण है। तो देखिए बंदूक से अगर कोई गोली छोड़ी जाती है तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, इसीलिए इसमें रेखीय गति पाई जाएगी। दीवार घड़ी की पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे किसी वस्तु की दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया जो था, जो दूरी जो होती है वह मूल बिंदु से मापी जाती है, यानी ओरिजिन पॉइंट से मापी जाती है। आगे है, वेग विस्थापन समीकरण किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा वेग और विस्थापन के बीच कौन से समीकरण का उदाहरण है, तो तृतीय समीकरण का, ठीक है। गति का जो तृतीय नियम है वो उसे ही कहा जाता है वेग विस्थापन समीकरण, ठीक है। तो गति का तृतीय समीकरण क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया, रिकॉल कीजिए और उसके हिसाब से आप बैठाइए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समय विस्थापन समीकरण किसे कहते हैं। तो गति के दूसरे समीकरण को समय विस्थापन समीकरण कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है, मैंने तुरंत बताया था। किसी खास समय में चली गई पथ, यहाँ पर पति नहीं है, पथ है, पथ की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है, तो किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है और न्यूनतम लंबाई को विस्थापन। अगला है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कोई भी डिस्टेंस मापा जाता है तो एसआई यूनिट में ही मापा जाता है, यानी एसआई यूनिट दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दूरी सदिश नहीं है, अदिश राशि है। अगला देखते हैं, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, क्योंकि न्यूनतम पथ की लंबाई को ही ट्रैवल करता है विस्थापन, इसीलिए इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होगा। विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल किस प्रकार की राशि, अदिश राशि, ठीक है। और किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग कहा जाता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, किसका व्यंजक है, यह है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। स्टार्टिंग में ही मैंने पता है ये एक्सेलरेशन का है, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण आंसर हो जाएगा। वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, तब त्वरण का मान क्या होगा, जब समय के साथ घट रहा है तो ऋणात्मक होगा, ऑब्वियसली बात है, घट रहा है मतलब ऋणात्मक होगा। कृत्य त्वरण का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर आपको देना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, ठीक है। अगर वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है तब हम कह सकते हैं कि पिंड का जो वेग है वह समरूप जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में क्या होता है। तो अगर शून्य में जो अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो समान होगा, समान त्वरण होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, इसको तो याद कर ही लीजिएगा। वैसे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको एक कॉपी में नोट करके अच्छे से इसको याद कर लीजिए, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि रेलवे में अगर इससे कोई क्वेश्चन आते हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। उक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम तय की गई दूरी समानुपात होती है, ठीक है। तो किसके समानुपात होती है, तो गिरने के समय के वर्ग का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके, तो गिरने के समय के वर्ग के। आगे है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब क्या होगा, तब जो होगा वेग समय ग्राफ रेखीय होगा, ठीक है। जब भी है ना, क्या कह रहा है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण, समान त्वरण आया मतलब वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? देखिए, पलायन वेग कहने का मतलब होता है वह वेग जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर फेंकें तो वह पृथ्वी की धरातल पर फिर लौट के नहीं आएगा, वह पृथ्वी की कक्षा में क्या होगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, यानी पृथ्वी पर वो लौट के फिर से नहीं आएगा, तो उस प्रकार के वेग को पलायन वेग कहते हैं। हालांकि जितने भी पिंड हैं सभी पिंड का अपना अलग अलग पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर हम फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगा। अगला है, यदि वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के समांतर हो तो गति क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, और एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल अचर और वेग चर होता है। ठीक है, तो मैंने 55 प्रश्न इसमें से करवाए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें जितना भी मैंने सारा क्वेश्चन बताया है सबको अच्छे से किया होगा। ठीक है, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल T10 स्टडी से जुड़ जाइए। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है वहाँ। ठीक है, एकदम फ्री में आपको सारा का सारा PDF अवेलेबल होगा, या तो आप इस PDF का प्रिंट करा के याद कर सकते हैं या नहीं तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए चैप्टर वाइज। और इसको कम्प्लेक्स का तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, बल और उसके नियम यानी फोर्स एंड इट्स रोल। इसका PDF निकाल लीजिएगा प्रिंट करवा करके। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, सेम नाम से है, T10 स्टडी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जब आता है बल का, तो बल के बारे में हमको पता होना चाहिए कि बल आखिर होता क्या है। तो देखिए, बल का सीधा मतलब होता है किसी भी वस्तु पर अगर हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई अगर वस्तु है तो किसी भी वस्तु में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा। ठीक है, और जब अगर हम उसको धक्का देते हैं या खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें त्वरित गति होती है। क्या होता है, त्वरित गति होती है, यानी कि मास इंटू एक्सलरेशन होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। यानी बल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बल क्या है, तो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है कि बल के प्रभाव को लिखें। बल के प्रभाव से हम क्या क्या कर सकते हैं, बल के प्रभाव से किसी वस्तु को गति में लाया जा सकता है। ठीक है, या गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, या गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे काम बल की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या है, बल वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, मैंने अभी तुरंत कहा कि कोई भी वस्तु उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और जब उसको धक्का देंगे या खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, त्वरित गति होगी। ठीक है, होगी, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यानी बल वस्तु में क्या क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। अगला है, बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो देखिए बल का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन, या फिर आपका ऐसा भी दे सकता है किलोग्राम, यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए, बल का ऐसा मात्रक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल का व्यंजक क्या होता है। बल का व्यंजक होता है F=ma। ठीक है, यानी बल का मतलब हो गया कि बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, m=mass, a=acceleration। ओके, चलिए, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम इंटू, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट होता है। तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछ ले, या हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ऑप्शन में न्यूटन भी रहे। तो दोनों याद रखिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। अगला प्रश्न है, बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो मैंने CGS मात्रक फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि CGS मात्रक क्या होता है, MPS मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये सारा का सारा बता रखा, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बल का जो CGS मात्रक होता है वो होता है डाइन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति किसका उदाहरण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस ये प्रश्न एग्जामिनेशन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं की गति जो उदाहरण है वो किसका है, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगला है, द्रव्यमान गुना त्वरण किसका व्यंजक है, मैंने अभी तुरंत बताया द्रव्यमान गुना त्वरण जो है या किसका व्यंजक है, बल का व्यंजक है। ये याद ही रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपका इसी से रिलेटेड बनेगा। ठीक है, तो बल का व्यंजक होता है।
नेक्स्ट है बल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसमें क्या हो, दिशा और परिमाण दोनों हो। मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था सदिश राशि के बारे में, और सदिश राशि के कितने सारे चीज़ हैं वो सारा का सारा डिस्कस कराया था। अगला है बल, वह बल जो किसी वस्तु के गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, गति के विपरीत अगर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को कहा जाता है घर्षण बल। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, तो हम आगे की ओर चल रहे हैं, लेकिन पैर के द्वारा पृथ्वी की सतह पर पीछे की ओर बल लगाया जाता है, इसी वजह से हम आगे चल पाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लेन सतह हो जहाँ पर घर्षण ना के बराबर हो, और तब हम वहाँ पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो क्या होता है, हम स्लिप करके गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि स्लिप करके गिरने का मतलब ही हो गया कि हम, हमारा जो शरीर है वो आगे की ओर गति कर रहा था और पैर पीछे की ओर गति कर रहा था, जिसके कारण हम लोग मुंह के बल गिर पड़ते हैं। इसका मतलब है कि जो चलने के समय जो बल लगता है वह हमारी गति के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। और विपरीत दिशा में पैर के द्वारा बल लगाया जाता है पृथ्वी पर, यानी कि घर्षण बल लगाया जाता है। ओके, तो वह बल जो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। आगे, घर्षण बल कितने सतहों के बीच कार्य करता है? तो दो सतह, मैंने अभी एग्जांपल बताया, उसमें एक सतह पैर और एक सतह आप पृथ्वी को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो सतहों के बीच क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। आगे, खिलाड़ी के जूते में कील का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, कील का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके, घर्षण बल का मान बढ़ पाए और दौड़ने में आसानी हो। आगे है, चक्कों के बॉल बैरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? चक्कों में जो बॉल बैरिंग का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, घर्षण के मान को कम करने के लिए। अगर बॉल बैरिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, स्नेह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, घर्षण का वैल्यू जो होगा काफ़ी बढ़ जाएगा। आगे है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, उसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र बल कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जो मोशन करता है वह भी अभिकेंद्र बल का ही एक उदाहरण है, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 14वां प्रश्न लिखा है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस बल का उदाहरण है? अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है। चुंबक में कितने पोल होते हैं? दो पोल। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक छड़ चुंबक बनाया, इसमें ये पोल इधर और एक पोल इधर है, यानी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आखिर अच्छा, एक चीज़ बताइए, पोल का मतलब क्या होता है? ये तो चुंबक है, चुंबक में तो चुंबकीय गुण होगा ही होगा, लेकिन पोल चुंबक का वह बिंदु होता है जहाँ पर चुंबकीय मान सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी भी में भी आप देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल का मतलब यह हो गया कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर पृथ्वी के संपूर्ण भाग में जो ग्रेविटी पाई जाती है, ठीक है, उससे मैक्सिमम ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो कहाँ होगा, पोल के ऊपर होगा, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो। तो जहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबक में कितने पोल? दो पोल, मैंने अभी तुरंत बता दिया। एक चुंबक को मुक्त रूप से छोड़ने पर वह किस दिशा में विक्षेपित होती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। कोई भी छड़ चुंबक है, अगर आप इसको धागा से बांध करके लटकाइएगा तो ये मूव करने के बाद नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। जो पोल आपका नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा वह एन पोल होगा, और जो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा वह एस पोल होगा, ठीक है। चलिए, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं सभी कणों के बीच क्या होता है, बल लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला अनेक बल का परिणामी बल यदि शून्य हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि शून्य होगा तो संतुलित बल, और यदि शून्य नहीं होगा तो असंतुलित बल कहलाएगा। ओके, मैं कहने का मतलब है कि कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, इस पर दोनों तरफ से बल लग रहा है और दोनों तरफ से 5 न्यूटन का ही बल लग रहा है, ठीक है, तो ये परिणामी बल इसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये जो वस्तु है ना तो इस साइड जाएगा और ना ही इस साइड जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से समान बल आरोपित हो रहा है, तो यहाँ पर परिणामी बल का वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो इस पर जो बल लग रहा है वह संतुलित लग रहा है। अगर वही बल का वैल्यू अलग अलग होता तो परिणामी बल शून्य नहीं होता, और अगर परिणामी बल शून्य नहीं होता तो हम उसको बोलते असंतुलित बल। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तीन नियम हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। 22वां प्रश्न है, किसी वस्तु का विराम या गति की स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? प्रथम नियम से संबंधित है।
ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं तेज़ी में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसीलिए मैं तेज़ी में बताते चल रहा हूँ। तो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो आप बताइएगा किसी वस्तु का विराम या गति की स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। और न्यूटन का प्रथम नियम जो है इससे जड़त्व का परिभाषा भी मिलता है, ठीक है। फिर है बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, प्रथम नियम से ही मिलता है। और देखिए जड़त्व का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था, गैलीलियो ने ही दिया था। जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु गति में है, ठीक है, तो वह गति में ही रहना पसंद करेगी, ठीक है, और यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहना पसंद करेगी। कब तक, जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है, यानी अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। और इस जड़त्व को किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, और यह न्यूटन के फर्स्ट रूल से ही के हिसाब से भी मैच करता है। आगे है न्यूटन ने किस पुस्तक में गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रिंसिपिया बुक में किया था, कब किया था, 1686 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखिए विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व, ठीक है। तो किसी वस्तु में विराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, विराम का जड़त्व, ठीक, और गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति गति का जड़त्व। और यदि वस्तु अपनी गति के दिशा में, किसी वस्तु में अपनी गति के दिशा में बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, दिशा का जड़त्व कहा जाता है। सभी का उदाहरण हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस में गति का जड़त्व होगा, विराम का जड़त्व होगा या दिशा का जड़त्व होगा, आप इजिली समझ जाइएगा। स्थिर वाहनों के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों। देखिए अगर स्थिर वाहन है तो उसका जो पूरा बॉडी है, यानी पूरा बॉडी जो है वह विराम की अवस्था में है, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी चलना चालू करता है, ठीक है, जैसे ही गाड़ी चलना चालू करता है तो होता क्या है कि गाड़ी के चलने के वजह से गाड़ी के सतह से जो शरीर का पार्ट जुड़ा होता है वह ऑटोमेटिक मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपरी पार्ट जो होता है वह विराम की अवस्था में ही होता है। जिसके वजह से क्या होता है, गाड़ी के अचानक चलने से गाड़ी के साथ साथ शरीर का निचला पार्ट तो चलने लगता है लेकिन जो संपर्क वाला पार्ट नहीं है वो पीछे की ओर भाग जाता है। तो वही होता है, इसको बोला जाता है क्या, विराम का जड़त्व। देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले की जो स्थिति है उसी का जड़त्व होगा। यदि गाड़ी रुका हुआ था और एकाएक चलना प्रारंभ किया और आदमी झुक गया तो यह हो जाएगा क्या, विराम का जड़त्व, ओके। चलिए वही कह रहा है, स्थिर वाहन के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण, तो पहले की स्थिति क्या थी, गाड़ी रुकी हुई थी, तो रुकी हुई थी मतलब स्थिर थी, तो विराम का जड़त्व हो जाएगा। दरी पर डंडे के प्रहार से धूल झड़ जाती है, क्यों। तो देखिए दरी है तो ये तो रुका हुआ है, अब जैसे ही इस पर हम लोग प्रहार करेंगे किसी भी चीज़ से तो ये क्या होगा, मोशन में आएगा, और मोशन में आने के कारण क्या होगा, इसके कण तो स्थिर ही थे तो कण क्या हो जाते, झड़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले की स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति विराम थी, इसीलिए क्या हो जाएगा, विराम का जड़त्व हो जाएगा। अगर चलती हुई वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। देखिए गाड़ी क्या है, चल रही है, इसका मतलब है कि उसका पूरा बॉडी जो है पूरा का पूरा बॉडी गति में है, पूरा का पूरा बॉडी क्या, गति में। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के संपर्क में जो उस व्यक्ति का पार्ट होता है शरीर का, वह गाड़ी के साथ साथ विराम की स्थिति में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो होता है वह मोशन की स्थिति में ही होता है। जिसके कारण क्या होता है कि नीचे वाला शरीर का नीचे वाला पार्ट तो रुक जाता है गाड़ी के साथ साथ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट उस अनुपात में नहीं रुक पाता और ऊपर वाला पार्ट मोशन में ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर पहले की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति है कि पहले गाड़ी गति में थी तो ब्रेक लगने के बाद रुकी है, तो पहले गति में थी यानी गति का जड़त्व वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो चलती हुई वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसमें गति का जड़त्व पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इस तरीके से, ठीक है। वहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज़न आता है कि किस प्रकार का जड़त्व होगा, ठीक है। तो पहले की जो स्थिति होगी, जो स्थिति पहले की स्थिति होगी उसी का जड़त्व होगा। रुका हुआ था तो विराम जड़त्व, यदि गति में था पहले, है ना, तो वह हो जाएगा गति का जड़त्व। आगे है, चलती वाहन से कूदने पर यात्री मुंह के बल क्यों गिरता है। सिंपल सी बात है, गाड़ी चल रही है यानी कि गति का जड़त्व होगा उसमें, ठीक है। और चूंकि जब कूदता है व्यक्ति तो उसका शरीर तो किस अवस्था में, गति की अवस्था में, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के सतह से उसका पैर आता है तो पैर हो गया विराम की स्थिति में और शरीर गति की स्थिति में, जिसके कारण क्या होता है, मुंह की बल गिर जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री सिक्का उछालता है
तो उसके हाथ में ही क्यों गिरता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे भी पूछ लेगा कि चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री यदि सिक्का उछालता है तो सिक्का कहाँ गिरेगा, आगे पीछे या वहीं पर। तो देखिए, अगर वेग समान है, ठीक है, चलने वाली वस्तु का अगर वेग समान है तो वह सिक्का हाथ में ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप जितने वेग से किसी वाहन पर जा रहे हैं, ठीक है, जितना भी वेग से आप जा रहे हैं, तो उस सिक्का को जब आप उछालिएगा तो उस सिक्का में सेम वेग होगा, समान वेग होगा। तो समान वेग के कारण जितना वेग आपके गाड़ी का है उतना ही वेग उस सिक्के का होगा और वो आपके हाथ में गिरेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है, और सिक्का को उछाल दिए और आपने एकाएक ब्रेक लगाया। अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, सिक्का को जब उछाला था तो सिक्का में जो आपका वेग था वो तो वेग रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका जो वेग हो गया वह कम हो गया, जिसके कारण वो सिक्का क्या होगा, आपके आगे गिरेगा। ठीक है, ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेग से जा रहे हैं, आपने सिक्का को उछाला, सिक्का को जैसे ही उछाला और आप क्या किया, अपने वेग को बढ़ा दिया। जैसे ही आप अपने वेग को बढ़ाएंगे तो आपका तो वेग बढ़ गया, लेकिन सिक्का का तो वेग वैसा ही के वैसा ही है, तो आपका वेग बढ़ जाने के कारण आप आगे चले जाइएगा और सिक्का नीचे की ओर गिर जाएगा, और यदि आपका वेग समान है तो वो सिक्का आपके हाथ में गिरेगा। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, तीनों का तीनों याद रखिएगा। तो वही कह रहा है कि चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री यदि सिक्का उछाला जाता है तो उसके हाथ में ही गिरता है। क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व होता है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की प्रवृत्ति बनाए रखता है, तो गति की प्रवृत्ति बनाए रखने को क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व बोलेंगे। घूमती हुई साइकिल के पहिए में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर उड़ता है, ठीक है, कीचड़ होगा यहाँ पर, लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर की ओर उड़ता है। क्यों? तो यह उड़ता है दिशा के जड़त्व के कारण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हो करके आप क्या करते हैं, पत्थर लगा करके किसी रस्सी में और उसको चारों तरफ मूव कराते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर से पत्थर टूट गया, रस्सी टूट गया, तो ये पत्थर क्या जाएगा, ऐसे भागेगा। अगर यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा, यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा, यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा। कहने का मतलब है कि वह जिस डायरेक्शन में टूटेगा वह उसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। तो ये कहलाता है क्या, दिशा का जड़त्व। ठीक है, अगला है, जब पत्थर से रस्सी बांध कर चारों ओर घुमाया जाता है तो वह स्पर्शीय रूप से दूर भाग जाता है। मैंने अभी तुरंत बताया किसके कारण, दिशा के जड़त्व के कारण। आगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा बनाए रखती है उसे क्या कहा जाता है, दिशा का जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से। क्या है बल का व्यंजक, एफ इज इक्वल्स टू क्या है, एम इन टू ए है, ये बल का व्यंजक है। ठीक है, चलिए, बल का व्यंजक क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही। ठीक है, और किसके गुणनफल को बल कहा जाता है, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। अगला है, एक न्यूटन का मान कितना होता है, तो एक न्यूटन का मान होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन जो होता है वह बल का ऐसा यूनिट होता है, बल का ऐसा यूनिट एफ इज इक्वल्स टू आपने अभी पढ़ा एम ए होता है कि नहीं होता है, तो एफ का ऐसा मात्रक न्यूटन, तो एक न्यूटन, तो एक न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक एम इन टू ए हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान यानी वेग, संवेग को पी से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को किससे, एम से, ठीक है, और वेग कह रहा है तो वेग वी, तो यह हो गया संवेग का व्यंजक, पी इज इक्वल्स टू एम इन टू वी। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, संवेग का व्यंजक पी बराबर एम वी। ठीक है, न्यूटन के किस नियम से गैलीलियो का नियम, मतलब किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है, तो मैंने पहले बताया प्रथम नियम, क्योंकि जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ओके, चलिए आगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान बढ़ने पर उसके जड़त्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो जड़त्व का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जड़त्व डिपेंड ही करता है द्रव्यमान पर। आगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर उसके जड़त्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो उसका जड़त्व भी घटेगा। ओके, चलिए, संवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। संवेग ऐसे मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए कैसे होता है देखते हैं। संवेग P इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। m, तो m जो है क्या है आपका, मास है, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, इंटू वी वेग, वेग ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल करके आ गया यहाँ पर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका आ जाएगा, किसका, संवेग का यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल
समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? समय एवं बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। ठीक है, बल और समय के गुणनफल को। आगे है, आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। क्योंकि बल और समय का गुणनफल है तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और समय का ऐसा मात्रक सेकंड। न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तृतीय नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पर वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक नाव है, नाव पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और जैसे ही ये कूदेगा तो इसके द्वारा इस तरफ बल लगाया गया लेकिन पैर के द्वारा इस नाव पर पीछे की ओर बल लगाया गया, तो यह व्यक्ति आगे की ओर गया और नाव पीछे की ओर गया, तो जितना क्रिया लगा रहे हैं उतना समान रूप से क्या लग रहा है? इस नाव पर प्रतिक्रिया लग रहा है, जैसे कि नाव पीछे की ओर जा रहा है, व्यक्ति आगे की ओर जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर कह रहा है किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किया गया क्रिया के कारण किस दिशा में प्रक्रिया होती है? तो विपरीत दिशा है, मैंने तुरंत बताया, व्यक्ति कूदेगा इधर लेकिन पैर के द्वारा जो बल लगेगा, विपरीत बल लगेगा नाव पर, तो नाव पीछे की ओर भागेगा, तो विपरीत दिशा में लगेगा। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जरत ये जो आपका घर्षण बल जो होता है वह भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का ही रूल को फॉलो करता है। क्या कह रहा है कि क्या क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होता है? बिल्कुल होता है एक साथ, क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ होता है। हाँ, इसका आंसर होगा क्रिया या प्रतिक्रिया का मान कैसे बढ़ता है, मान कैसा होता है? देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो वैल्यू होता है हमेशा बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन के किस नियम में क्रिया या प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया? तृतीय नियम में किया गया है। किसी व्यक्ति का जमीन पर टहलना न्यूटन के किस नियम से संबंधित? मैंने तुरंत बताया, जमीन पर टहलना तृतीय नियम से संबंधित है। अगला है, रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय रूल पर। ठीक है, आगे है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाविक का नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना किस नियम से संबंधित? मैंने भी तुरंत बताया, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। देखिए, थ्योरी एक बार आप समझ लीजिएगा ना, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने थ्योरी सेक्शंस भी स्टार्ट किया था लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं आया था इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, यदि आप लोग कहिएगा तो मैं थ्योरी फिर से स्टार्ट कर दूंगा। अगला है, किसी पिंड के टक्कर से पहले का कुल संवेग तथा टक्कर के बाद के बीच के बाद के संवेग के बीच का संबंध क्या होता है? तो हमेशा बराबर होगा। किसी पिंड के टकराने से पूर्व तथा टकराने के बाद का संवेग कैसा होगा? सेम क्वेश्चन है, एक नियत रहेगा। ठीक है, बंदूक का प्रक्षेपण के सिद्धांत पर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है और थर्ड लॉ से रिलेट है। किसी वस्तु का नदी में तैरना या नाव खेना किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। और पी इज इक्वल्स टू एमवी के स्क्वायर भंजक है, मैंने तुरंत बताया था, संवेग कैसा है मात्रक? सीजीएस मात्रक है ना, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है? तो बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने तुरंत बता दिया। बल का ऐसा मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यह किस नियम से संबंधित है? तो प्रथम नियम से, या फिर गैलीलियो के नियम से कह सकते हैं, या फिर जड़त्व के नियम से कह सकते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जड़त्व का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान ही होता है। और किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो द्रव्यमान तथा वेग में परिवर्तन करते हैं करके, क्योंकि संवेग का मतलब ही होता है, संवेग का मतलब क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल्स टू एम वी। ओके, तो अगर हम द्रव्यमान में चेंजिंग कर दें या वेग में चेंजिंग कर दें तो उसका संवेग बदल जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मापन न्यूटन के किस नियम से किया जाता है? तो बल का मापन ना, तो बल का मापन कैसे करेंगे? अगर आपके पास एफ इज इक्वल्स टू एम ए रहेगा तब तो, यानी कि मास और एक्सेलरेशन पता रहेगा तब तो आप बल का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वह किस रूल से पता चलता है, यानी व्यंजक किस रूल से पता चलता है? तो सेकंड रूल से पता चलता है ना, यानी बल न्यूटन के दूसरे नियम से क्या पता चलता है? बल का व्यंजक पता चलता है। और प्रथम नियम से बल का परिभाषा यहाँ पर माप कर रहा है यानी व्यंजक कर रहा है, तो व्यंजक करने वाले जो है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितने भी दोस्त हैं आपके उन सभी के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, या जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके पास सभी के पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक समान त्वरित गति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ठीक है, तो एक समान त्वरित गति के बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। और आपको याद होना चाहिए, जब मैंने थर्ड चैप्टर बताया था न्यूटन्स लॉ, तो उसमें मैंने एक बताया था आपको जड़त्व का नियम, याद है? जड़त्व के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था? तो इन्हीं गैलीलियो साहब ने ही बताया था। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ ले एक समान त्वरित गति के बारे में या फिर आपसे कह ले जड़त्व के बारे में, ठीक है, तो आपका क्या आंसर जाएगा? गैलीलियो ने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में कोई वस्तु ऐसे गिरती है, तो अगर कोई वस्तु निर्वात में गिर रही है
ठीक है, तो वह एक समान त्वरित गति से गिरती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न जाने कितने एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए जा चुके हैं। तो निर्वात में अगर कोई वस्तु गिरती है तो वह समान त्वरित गति से गिरेगी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निर्वात से एक पंख तथा एक कील को गिराया जाता है तो कौन सबसे पहले गिरेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात जो होता है, निर्वात कहने का मतलब हो गया वैक्यूम। ठीक है, और वैक्यूम में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। ठीक है, और अवरोध नहीं होने के वजह से चाहे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग ही क्यों ना हो, वह दोनों एक साथ ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है विरोध करने के लिए, तो वह क्या होगा, एक साथ गिरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वैक्यूम ना हो, वैक्यूम अगर नहीं हो, हवा में किसी वस्तु को गिराया जाए, तो हम जानते हैं कि हवा में डिफरेंट टाइप के गैसेज या धूलकण होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा और जो भारी होगा वो पहले गिर जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, और कोई भी ग्रह हो उसके चारों ओर पथ पर क्या होता है, चंद्रमा गति करता है। तो ये जो चंद्रमा गति करता है तो आखिर इसका वजह क्या है। तो चंद्रमा की गति करने के कारण होता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में अभिकेंद्रीय बल रहेगा, अगर मान लो कि अभिकेंद्रीय बल नहीं रहता है तो फिर ग्रेविटी के वजह से ही यह क्या होता है, चक्कर लगाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही यह क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, न्यूटन साहब ने कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो सारा का सारा कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस गुण को उन्होंने क्या कहा था, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दुनिया में कोई भी वस्तु, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, या फिर धूमकेतु हो, ग्रह हो, कुछ भी हो, ठीक है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे इंडिकेट किया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का इंडिकेट किया जाता है स्मॉल जी से, और गुरुत्वीय त्वरण का जो व्यंजक होता है वो कैपिटल ई एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर जी जो है आपका, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी मिलेगा, जिसका जो वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। क्या है वैल्यू, आगे हम लोग देखेंगे। एम हो गया आपका मास, मास बोले तो द्रव्यमान, और आर हो गया रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या। अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी के सापेक्ष जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक की बात करेंगे तो जी तो सबके लिए बराबर होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो का सबके लिए बराबर होगा। यहाँ पर एम हो गया किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा आपका आर। ठीक है, यानी कि गुरुत्व त्वरण का व्यंजक क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या जी एम इंटू आर इनवर्स भी हो सकता है, इनवर्स टू। चलिए अगला देखते हैं, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो देखिए, गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने ऐसा यूनिट इसलिए लिया क्योंकि यह त्वरण है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के वजह से त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बाय द वे मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में अगर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर भी आप वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड ही लीजिएगा, तब तक जब तक कि क्वेश्चन में यह ना कहा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है, स्क्वायर ले रही है। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्व त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, लेकिन सार्वत्रिक नियम का जो वैल्यू है वह किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, जिन्होंने हाइड्रोजन का खोज करा था। चलिए अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कह रहा है। ठीक है, नियतांक क्या कह रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी कण पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने पहले ही कहा, दुनिया में जितने भी कण हैं वह सारे के सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कम से कम दो कण तो ज़रूर होंगे, मान लीजिए कि एक कण आपका ये है, ठीक है, और एक कण ये है,
जिसका मास हो गया आपका M1 और M2, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसके बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, ये जो कण है इनके बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, मान लीजिए R, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग व्यंजक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहा जाएगा कि द्रव्यमान के गुणनफल यानी M1 इंटू M2, ठीक है, समान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी R के वर्ग स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ये आता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक Z, यहाँ पर स्थिरांक का वैल्यू आ गया। तो अगर आपसे व्यंजक पूछता है तो आप ये व्यंजक याद रखोगे तो आप आराम से परिभाषा को लिख सकते हो, ठीक है। क्या कहेगा कि किसी कण पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का नियम। 10वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। मैंने अभी तुरंत बताया गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है, लेकिन कौन सा, स्मॉल जी से। कैपिटल जी से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को सूचित किया जाता है, स्मॉल जी से गुरुत्वीय त्वरण को सूचित किया जाता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे सूचित किया जाता है, जी से, मैंने तुरंत बताया। अब देखिए जी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और वैल्यू पूछ लिया तो 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11। जी का मान सबसे पहले किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से न जाने कितनी बार बोल दिया है कि जी का वैल्यू जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है। जी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, ये जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यह वैल्यू किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। और हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का खोज करा था, किसका, हाइड्रोजन का खोज करा था। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन जो होता है हाइड्रोजन का ही होता है, और इसी हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है सूर्य से। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान, यह भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा गया। पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 6 × 10⁴ kg, ठीक है। देखिए इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पावर है, इसलिए मैंने सिर्फ पावर बोला, 6 × 10⁴ kg, ओके। रेडियस की अगर बात करेगा तो पृथ्वी का जो रेडियस होता है 6371 किलोमीटर, यह भी याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना एंगल बनाती है, यानी डिग्री झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री क्या होता है, अपने अक्ष पर झुकी होती है। अगला है, जी का मान कहाँ अधिक होता है। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का अगर ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री लाइन, जिसको इक्वेटर कह ले, भूमध्य रेखा कह ले, विषुवत रेखा कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसका, ठीक है। ये आपका आता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये आता है आपका साउथ पोल, ठीक है, यानी इक्वेटर से ऊपर बढ़ने पर जितनी भी डिस्टेंस आप जाएंगे उस डिस्टेंस को आप नॉर्थ पोल से इंडिकेट करेंगे, और नीचे आएंगे तो साउथ पोल से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होगा, तो ये जो आपका भूमध्य रेखा है इस पर जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। इस भूमध्य रेखा पर आप कहीं भी जाएंगे तो जी का जो वैल्यू होगा सबसे कम देखने को मिलेगा, नेगेटिव नहीं, एकदम न्यूनतम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाइए चाहे साउथ की तरफ जाइए, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाइएगा वैसे वैसे जी का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, इनक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है, तो या तो भूमध्य रेखा कह लीजिए, विषुवत रेखा कह लीजिए, पृथ्वी के केंद्र कह लीजिए, इक्वेटर कह लीजिए, 0 डिग्री लाइन कह लीजिए, ठीक है, यहीं पर क्या होगा, जी का वैल्यू सबसे कम होता है। आगे है, वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो वस्तु में जितना द्रव्य की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, जिसको केजी से इंडिकेट करते हैं। द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। क्या होता है अदिश राशि, सदिश राशि, मैंने दूसरे चैप्टर में इसको अच्छे से कंप्लीट करा है, आप उसको देख सकते हैं, दूसरे चैप्टर में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। आगे है, द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या है, मैंने तुरंत बताया किलोग्राम होता है। और अस्थिर, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए
22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु, इसका जो द्रव्यमान है, कहीं भी आप चले जाओ, इसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो भाई बदलेगा क्या, तो बदलता है इसका क्या भार, क्या बदलेगा, भार बदल जाएगा। देखिए भार जो होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। जहाँ पर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा वहाँ पर भार भी अधिक होगा, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर भार भी कम होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसका भार पृथ्वी पर मान लीजिए द्रव्यमान 50 kg है, ठीक है, तो ये कहीं भी चला जाएगा, ब्रह्मांड के किसी कोने में चला जाएगा, तो इसका जो द्रव्यमान है वह 50 kg ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर भार पूछ लेगा, अगर पृथ्वी पर भार है 50 kg, ठीक है, तो ये जिस जगह पर जाएगा तो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितना ग्रेविटी है, वहाँ पर कितना प्रेशर है, ठीक है, और जो ग्रेविटी और प्रेशर होगा उसके हिसाब से उसका भार क्या होगा, बदलेगा। यानी कि स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन भार पर प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला है, भार किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। भार को किसके द्वारा मापा जाता है, कमानीदार तुला से मापा जाता है। भार कैसा है, मात्रक न्यूटन होता है, सबको याद रखिएगा। देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था ना, स्थान परिवर्तन से भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बदल जाता है। जहाँ पर जैसा प्रेशर होगा उसके हिसाब से उसका भार चेंज होगा। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, देखिए इकाई क्षेत्रफल, देखिए कहीं पर भी इकाई वाला कंसेप्ट आएगा ना, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर भिन्न आएगा। भिन्न कहने का मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इकाई कहा, तो इकाई जिसके साथ इकाई शब्द होगा वो नीचे आएगा, यानी कि हर में आएगा। तो इकाई क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या होता है, चलिए हम क्षेत्रफल ही लिख लेते हैं, इकाई क्षेत्रफल, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, क्या लगता है, बल जो लग रहा है उसको ऊपर लिखेंगे तो बल लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दाब, क्या बोलते हैं इसको, दाब। अब पूछ लिया दाब कैसा है मात्रक, हमें नहीं पता, यहाँ से निकालेंगे, टेंशन कहाँ लेते हैं। बल कैसा है मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए निकल कर क्या गया ना, दाब का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, और दाब का ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल भी लिया जाता है, ठीक है, पास्कल, जिसको इंडिकेट किया जाता है PSA। अगर वायुमंडलीय दाब पूछ लेगा तो वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट होता है बैरोमीटर, क्या होता है बैरोमीटर। दाब किस पर निर्भर करता है, तो दाब निर्भर करेगा सतह के क्षेत्रफल पर। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी वस्तु का सतह का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दाब उतना कम लगेगा, दाब उतना कम लगेगा, और जितना नगण्य क्षेत्रफल होगा उस पर दाब उतना अधिक लगेगा। कहोगे कैसे, तो देखो अगर आप नदी में किसी भी कील को डालते हो, ठीक है, तो कील डूब जाता है, क्यों, क्योंकि कील का जो सतह का क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है, जिसके कारण दाब अधिक लगता है और वो पानी में डूब जाता है। लेकिन वहीं अगर हम नाव की बात करेंगे, ठीक है, तो नाव क्या होता है, नहीं डूबता है, क्यों, क्योंकि नाव का जो नीचे वाला जो सरफेस होता है इसका जो एरिया होता है काफ़ी अधिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है, दाब कम लगता है, और सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम लगेगा, ठीक है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम लगता है, और सतह का क्षेत्रफल घटने से दाब अधिक लगता है, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जब अगर दलदली क्षेत्र में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों, क्योंकि लेटने से दाब कम लगेगा और वो दलदल में मतलब फंस तो जाएगा ही, लेकिन लेट लगेगा उसको डूबने में। अगला है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने बताया क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, देखिए मान लेते हैं कि ये सतह है, ठीक है, इसके लंबवत अगर कोई बल लग रहा है, लंबवत 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कोई बल लग रहा है तो उसको बोलेंगे प्रणोद, इंग्लिश में इसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, हो सकता है बाय द वे एग्जाम में आपसे पूछ ले थ्रस्ट। घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर ये आपको याद है तो आप इसका आसानी से ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है,
केजी, और आयतन का स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो निकल के आ गया ना केजी मीटर क्यूब। यहाँ पर भी लिखा हुआ द्रव्यमान घनत्व का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब हो सकता है, केजी मीटर इनवर्स क्यूब रहे, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है? तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि द्रव का जो दाब होता है सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। सभी दिशाओं में, किसी भी दिशा में जाएगा तो समान रूप से संचारित होगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पास्कल ने। ठीक है, और पास्कल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग में करने के लिए जो नली का यूज किया था उसका स्ट्रक्चर कैसा था? तो यू आकार का था। तो अगला प्रश्न वही कह रहा है, पास्कल ने अपने प्रयोग के लिए किस आकार के नली का प्रयोग किया था? तो यू आकार के नली का प्रयोग किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई द्रव है और उसके द्वारा यदि ऊपर मुखी बल लगाया जाता है, तो ऊपर मुखी जो बल लगता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। अगला है सर्वप्रथम उत्प्लावकता के बारे में किसने बताया था? आर्कमिडीज ने बताया था। ठीक है, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, तो देखिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है इसलिए क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है पानी से। याद रखिएगा, जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा, ठीक है, जिस पदार्थ का डेंसिटी कम होगा वह तैरेगा, कुछ भी हो। अगर उसका डेंसिटी किसी दूसरे सापेक्ष के पदार्थ अपेक्षा कम है तो वह तैरेगा। यहाँ पर कह रहा है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ़ का जो डेंसिटी होता है वह पानी से कम होगा। बर्फ़ का डेंसिटी पानी से कम होगा तभी तो तैरेगा ना, कमज़ोर है इसीलिए तैर रहा है, हार मान गया पानी से इसीलिए उसके ऊपर तैर रहा है। अब अगर मान लीजिए लोहे के कील को डालते हैं, तो लोहे के कील का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से अधिक होगा तो वह डूब जाएगा, है ना, क्योंकि जो मजबूत है वह डूब गया, उसके अंदर पीट के चला गया अंदर, है ना, तो वही बात है। तो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। लोहे की कील पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वह पानी से अधिक होता है। ओके, चलिए, किसी वस्तु को पानी में डूबने के लिए उसका घनत्व कैसा होना चाहिए? अगर डूबना है तो घनत्व भाई अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होना चाहिए। कह रहा है जब जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो क्या होता है? तो जहाज जब नदी से समुद्र में उतरता है तो थोड़ा ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि नदी के नदी का जो पानी होता है उसका डेंसिटी थोड़ा सा अधिक होता है साधारण जल की अपेक्षा। ठीक है, नदी में जो पानी होता है उसकी अपेक्षा समुद्र वाले पानी का जो डेंसिटी होता है वो अधिक होता है। तो जैसे ही उसमें जाता है तो जो नाव होता है, है ना, वो ऊपर उठ जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है या कम, यानी डैश होता है। तो देखिए, मनुष्य का जो घनत्व होता है, मनुष्य के शरीर का, वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, तभी तो मनुष्य पानी में डूब जाता है। अगर कम होता तो डूबता ही नहीं, तैरते रहता है हमेशा। ठीक है, तो मनुष्य का डेंसिटी जो होगा शरीर का, वो पानी के डेंसिटी से अधिक होता है। अगला, बर्फ़ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ठीक है, तो देखिए, जब भी आप पानी में, ठीक है, अगर बर्फ़ को डालेंगे तो बर्फ़ का 1/9 भाग क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। यानी कि बर्फ़ का ये जो ऊपर वाला भाग है यह 1 है, और नीचे वाला भाग है वह 9:1 में है। ठीक है, तो 1 भाग ऊपर और 9 भाग नीचे रहता है। तो वही कह रहा है, बर्फ़ का कितना भाग पानी के ऊपर, 1/9। ठीक है, और अगर बात करेंगे पानी के अंदर, तो देखिए 1/9 है, अंदर कह लिया तो घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा दीजिएगा तो 8/9 हो जाएगा। अब कह रहे हैं, टाइटैनिक जहाज बर्फ़ यानी हिमशैल से टकराकर कब नष्ट हुआ था? 1912 में। अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो देखिए, घनत्व जब भी निकाला जाता है तो पानी के सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो पानी का कुछ ना कुछ घनत्व होगा, तो घनत्व का ऐसा यूनिट लिखेगा केजी प्रति मीटर क्यूब, यही लिखेगा ना। अब अगर मान लीजिए जिसका भी निकालना होगा, जिस भी पदार्थ का डेंसिटी निकालना होगा उसका भी तो ऐसा यूनिट लिखना होगा ना, केजी मीटर इनवर्स क्यूब, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रक कुछ भी नहीं होता है। आगे, किस तापमान पर पानी का घनत्व महत्तम तथा आयतन न्यूनतम होता है? 4°C पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा? मैंने पहले ही बता दिया था, भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। आगे, किसी वस्तु का भार महत्तम कहाँ होता है? तो महत्तम कहाँ हो जाएगा? ध्रुवों पर हो जाएगा। पोल पर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा होगा। मैंने सारा पहले ही बता दिया है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? 1/6 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 60 kg का 1/6, यानी कि 10 kg, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना गुना होगा? 1/6। देखिए, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 N है, मैंने भी बताया 60 N है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर 1/6, यानी कि 10 N हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर द्रव्यमान कहा गया, अगर भार कहेगा तो भार जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर भार कहा गया, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पर भी भार कहा गया है लेकिन इस क्वेश्चन में द्रव्यमान कह दिया गया है। तो ये मैंने बताया था द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा पर भी 60 होगा, चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाइए 60 ही रहेगा। पृथ्वी का प्लैन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का प्लैन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये प्लैन वेग क्या होता है, प्लैन वेग एक ऐसा वेग है जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंके और वह पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाए तो वह पुनः लौट के वापस नहीं आएगी, ठीक है। सभी पिंड का या कह लें कि सभी ग्रहों या उपग्रहों का अपना अलग अलग प्लैन वेग होता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी का पूछ लिया तो पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस रफ्तार से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंक दें तो वो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी। अगला है, वह वेग जिस वेग से अगर किसी पिंड को फेंका जाता है तो पृथ्वी पर लौट के नहीं आता, उसे क्या कहेंगे, प्लैन वेग कहेंगे। द्रव्य में पूर्ण या थोड़ी डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी किसके बराबर होता है, तो जितना भार के बराबर जल हटाएगा उसके हिसाब से, तो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए भार के बराबर क्या होगा, आभासी कमी होगा। चलिए, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होता है, तो वही है 6:1। यहाँ पर पृथ्वी का जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, और चंद्रमा के सतह पर जो होगा कितना होगा, 6:1। यानी मान लीजिए कि एक है चंद्रमा पर तो 6 होगा पृथ्वी पर, वही कह रहा है 1/6 गुना जो मैंने अभी ऊपर बताया था। कह रहा है निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए पिंड किस रूप में गिरती है, तो एक समान त्वरण में गिरती है, ठीक है। मैंने अभी तुरंत बताया था एक समान त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ग्रेविटी से वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य शक्ति और ऊर्जा। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है, ठीक है। तो कार्य का मतलब होता है कि यदि किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, और बल के कारण यदि उसमें विस्थापन होता है, क्या होता है, बल के कारण यदि उसमें विस्थापन होता है तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। यानी कि कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल्स टू बल का क्या हो जाता है, फोर्स, और विस्थापन का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस। यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, F × S, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कार्य का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और अगर उसमें विस्थापन हो रहा है तब हम क्या कहेंगे कि कार्य हो रहा है, और अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कार्य नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। लिखा गया है बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो मैंने अभी तुरंत बताया बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसे क्या कहा जाता है, यांत्रिक कार्य कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड है, कार्य का व्यंजक क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया था क्या होता है, W = F × S, जहाँ पर W क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, F क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है, और S क्या हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जूल जो होता है, या तो आपको जूल दे सकता है एग्जामिनेशन में ऑप्शन में, या तो फिर न्यूटन मीटर। तो कार्य का ऐसे मात्रक आप लोग याद रखेंगे जूल या न्यूटन मीटर। मैंने कहा न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि देखिए ये जो बल है, फोर्स जो है, फोर्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन जो होता है उसका ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो यहीं से आ जाता है जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, ऐसे भी कर सकते हैं, या 1 joule = 1 newton meter आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 1 joule का मान कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो 1 newton meter के बराबर होता है, ठीक है। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, या फिर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, दोनों आप लोग याद रखेंगे। फिर कह रहा है 1 joule का मान कितना होता है, मैंने तुरंत बताया, कभी भी पूछेगा 1 joule का वैल्यू क्या होता है, तो 1 joule का वैल्यू होता है 1 newton meter के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा, एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक वर्क, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट और वर्क, इस दोनों का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है,
ठीक है, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो फिर शून्य हो सकता है। कहेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, किसी डिस्टेंस से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि शुरुआत बिंदु ये हो गया और अंतिम बिंदु ये हो गया। तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल मैक्सिमम लंबाई यानी कि महत्तम दूरी, महत्तम लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अगर न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो ये न्यूनतम दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन, ठीक है। किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम लंबाई को विस्थापन और अधिकतम लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। देखिए ये हो गया आपका, चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से चल करके यहाँ पर आया कोई पॉइंट, कोई वस्तु ए से बी तक, तो यहाँ से ये यहाँ तक आया तो ये हो गया इसका पॉजिटिव डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ इधर आ जाएगा तो ये नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर यही आदमी यहाँ पर जो अंतिम पॉइंट था यहाँ से घूम करके ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एक ही पॉइंट पर, यानी कि शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु होगा, तो क्या होगा? विस्थापन हुआ ही नहीं, यानी विस्थापन का वैल्यू क्या जाएगा? जीरो जाएगा। यानी कह लें इधर आया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव, और जहाँ से चला था वहीं पर आ गया तो क्या हो जाएगा? शून्य। यानी विस्थापन का वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है, और धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। कार्य में भी यही कंसेप्ट आता है, कार्य में भी क्या होता है? विस्थापन वाला ही कंसेप्ट आता है। कार्य बराबर होता है F इंटू S, ठीक है। अगर विस्थापन हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इसके द्वारा इधर बल लगाया गया, ठीक है, और वस्तु विस्थापित इधर ही हो गया, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ठीक है, इस पर बल लगाया गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, बल इस डायरेक्शन में लगाया गया और ये विस्थापित भी हो गया इसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में बल लगा उसी डायरेक्शन में विस्थापित हो गया, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, इस पर बल लगाया गया इधर, लेकिन वो विस्थापित हो गया विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। अब देखिए मान लेते हैं कोई दीवार है, इस पर कोई व्यक्ति बल लगाता है और ये विस्थापित हुआ ही नहीं, तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कह लें कि जो वर्क होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा कि कार्य कहे या विस्थापन कहे, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर शून्य हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के बीच थीटा कोण बनता है, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, थीटा कोण बनता है तो वर्क इज इक्वल्स टू, हम लोगों को पता है Fs होता है, और अगर थीटा कोण बन रहा है तो कॉस थीटा, ठीक है, जितना एंगल बन रहा है वहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा? वर्क बन करके आ जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। अदिश और सदिश क्या होता है मैंने सेकेंड चैप्टर में आप लोगों को बताया था, प्ले लिस्ट में आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कार्य किस पर निर्भर करता है, तो मैंने तुरंत कहा कार्य बराबर क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू एस, तो कार्य निर्भर करता है बल पर और विस्थापन पर। किस पर? बल पर और विस्थापन पर। तो वही कह रहा है बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी विस्थापन पर, ठीक है। चलिए जब विस्थापन बल की दिशा में हो, मैंने अभी तुरंत बताया था ना कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इधर अगर बल लगाया गया है और विस्थापन इधर ही हो रहा है, यानी जिस दिशा में बल लगाया गया उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो कार्य क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य का मान क्या जाएगा? धनात्मक जाएगा, और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो कार्य का मान ऋणात्मक और लंबवत हो तो नेगेटिव शून्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए लंबवत कहने का मतलब क्या होता है, आप न्यूमेरिकल में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति 10 केजी का सामान उठाए हुए एक ही जगह पर खड़ा है, ठीक है, 10 केजी का सामान उठाए एक ही जगह खड़ा है, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया? तो भाई एक ही जगह खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, भले ही इसने कितना भी द्रव्यमान रखा है, बल लगा के इसको ऊपर क्यों रखा हुआ है, बल भले ही लगा रहा है इस वस्तु पर, ठीक है, लेकिन इसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, तो विस्थापन नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब विस्थापन बल के लंबवत हो तो किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति सर पर कुछ सामग्री लिए खड़ा है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। न्यूमेरिकल में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, लंबवत यानी कि देखिए खड़ा इधर है, ठीक है, खड़ा ऐसे खड़ा होता है और सर पर रखे हुए है, ठीक है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट
हुआ ही नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन की दिशा में, दिशा और बल की दिशा में 90 डिग्री का कोण है। देखिए विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है, विस्थापन इधर हो रहा है और ये है इसका बल का डायरेक्शन, इसके बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो भी वर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वही है विस्थापन की दिशा और बल के दिशा के बीच यदि 90 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान क्या होगा। या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल्स टू एफ इन टू एस कॉस थीटा पर निकाल सकते हैं, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा काटने के बाद। अगला है, यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए पृथ्वी है ये, ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह कुछ दूरी तक जाने के बाद यह पुनः वापस पृथ्वी की ओर लौटने लगता है। क्यों लौटने लगता है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जिसे बोला जाता है गुरुत्व बल। क्या बोला जाता है, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के भी बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पृथ्वी पर खड़े हैं, आपने गेंद को ऊपर की ओर फेंका, यह कुछ दूरी तक जाने के बाद यह फिर से रिटर्न क्या हो जाता है, आना चालू हो जाता है। आपने इसको ऊपर की ओर फेंका, ये फिर से रिटर्न आना चालू हो गया। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, लेकिन कुछ दूरी तक जाने के बाद उसका विस्थापन क्या होता है, नीचे की ओर होता है, ठीक है। यानी बल ऊपर की ओर हो गया लेकिन विस्थापन किधर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है यानी गुरुत्व बल इस पर नीचे की ओर बल लगा, सॉरी देखिए किसी को अगर हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर लग रहा है ना, गुरुत्व बल इस पर नीचे की ओर लग रहा है लेकिन ये वस्तु ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बल और विस्थापन, तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कार्य करने की क्षमताओं को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल बेस्ड एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने वर्क, पावर, एनर्जी या फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस करवाए हैं और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10th वाले में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है ऊर्जा का सहमात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का सहमात्रक होता है जूल। शक्ति का सहमात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और वही कहले कि व्यावसायिक ऊर्जा का सहमात्रक क्या होता है, तो व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। देखिए वाट घंटा का वैल्यू होता है 3600 जूल, और जब किलोवाट घंटा कह देगा तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो 3600 जूल में अगर आप 1000 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 × 10 पर पावर कितना, 2 इधर और 3 इधर, तो 2 और 3 तीन और 2 5 हो जाएगा, यानी 36 × 10 पर पावर 5 जूल, यानी 1 किलो वाट आवर का वैल्यू कितना होता है, 36 × 10 पर पावर 5 जूल। क्या कहा मैंने, 1 किलो वाट आवर का वैल्यू हो गया 36 × 10 पर पावर 5 जूल। इसी को क्या किया जाता है, कुछ इस तरीके से भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, 36 × 10 पर पावर 5, इसको 5 से 10 से गुना और 10 से भाग लगा दिया जाता है। जब भाग लगता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका पावर जुड़ जाएगा और ये इससे भाग लग जाएगा, तो 36 में जब 10 से भाग लगेगा तो 3.6 होगा इंटू 10^6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू याद रखिएगा और ये भी वैल्यू याद रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर का वैल्यू 36 × 10 पर पावर 5 जूल होता है, या 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.6 × 10^6 जूल होता है, ठीक है। और ये जो है वाट, किलोवाट आवर, ये क्या है, व्यावसायिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ठीक है। और आपसे पूछ देगा किलोवाट आवर का वैल्यू क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 3.6 × 10^6 जूल, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखिए किसी भी वस्तु में यदि गति हो रहा है, गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। जैसे बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है, पत्थर को फेंकते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, बंदूक से जो गोली दागते हैं तो उस गोली में भी किस प्रकार की ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गति के कारण जो ऊर्जा आई, गतिज ऊर्जा, और विराम की स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, वो होता है हाफ
mv2। गतिज ऊर्जा डिपेंड किस पर करता है? मास पर। और किस पर करता है? वेग पर करता है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी पर करता है। और वहीं स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो वो होता है mgh, यानी कि मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण और हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है, और आपका जो गतिज ऊर्जा होता है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो दोनों का व्यंजक याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 21वां प्रश्न है, किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थिति ऊर्जा होगी। अगला है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? मैंने तुरंत कहा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मास और वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो स्थिति ऊर्जा का होता है एम जी एच, तो मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, अगला है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का तो एम जी एच होता है, ठीक है। अब देखिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली, एग्जांपल याद रखिएगा, धनुष से छोड़ा गया तीर, ठीक है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो उसमें गति पाई जाती है, तो गतिज ऊर्जा। धनुष से छोड़ा गया तीर, ये सब चीज़ तो प्रैक्टिकली है, याद ही रहेगा आप लोगों को। धनुष से अगर तीर छोड़ा जाता है तो उसमें भी गति पाई जाती है, तो गतिज ऊर्जा। हवा बह रही है तो उसमें भी गति है, तो गतिज ऊर्जा। गिरती वर्षा की बूंद ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब इसमें भी गति होगा, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। लेकिन जब तनी हुई धनुष की डोरी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका धनुष है, तो इसमें जो तनी हुई डोरी होती है, तो ये तनी हुई है, अभी रुकी हुई है, तो तनी हुई है मतलब स्थितिज स्थिति में है, है ना, स्थिर स्थिति में, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। छत पर रखी ईंट, छत है, इस पर कोई ईंटा रखा हुआ है तो इस पर कोई गति नहीं है, ये रुका हुआ है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तालाब में जो जल होता है, अगर इसमें कोई भी गति नहीं है, तालाब का जल रुका हुआ है, क्योंकि तालाब का जल होता है वह रुका हुआ ही होता है, तो तालाब में जो जल होता है वह भी स्थिर अवस्था में होता है, यानी उसमें भी किस प्रकार की ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरा पौधा। हरा पौधा में एक प्रक्रिया पाया जाता है फोटोसिंथेसिस का। क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाया जाता है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसके किसके बीच होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है आपके किसके बीच? वाटर के बीच, ठीक है, H2O, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच होता है। किसके उपस्थिति में? सनलाइट और हरित लवक की उपस्थिति में। और जब रिएक्शन होता है तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, फिर बनता है आपका वाटर, और फिर बनता है आपका क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरा पौधा, क्योंकि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन जो होता है साउंड एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, करंट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? पंखा और मोटर। पंखा और मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा लेकर के मूव करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। आगे है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जो बैटरी होती है, बैटरी में आपका होता है केमिकल एनर्जी। किस प्रकार की एनर्जी? केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जिससे बल्ब वगैरह सारा चीज़ जलता है। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो। पहले आता था, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय साइकिल में डायनेमो लगाया जाता था। साइकिल में भी आगे बल्ब लगा होता था, जिससे नाइट वगैरह में क्या होता था? रोशनी आती थी, जिससे आगे चलने में परेशानी नहीं होती थी। साइकिल का जो पहिया होता था, ठीक है, वहाँ पर डायनेमो लगाया जाता था। जब डायनेमो को इसमें सटाते थे तो पहिया के मूव करने की वजह से डायनेमो का आर्मेचर मूव करता था, और जिसके कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था, ठीक है, और बल्ब चलता था। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता था? यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। तो वही कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। अगला है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जो सनलाइट होता है उससे निकलती है सोलर एनर्जी, ठीक है। और सोलर एनर्जी जब सोलर प्लेट पर पड़ता है, ठीक है, तो सोलर प्लेट इसको कन्वर्ट कर देता है करंट एनर्जी में, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ये जो सोलर प्लेट होता है यह बना होता है अर्धचालकों का,
और इस अर्धचालक में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का, मैक्सिमम सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के रूप में। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोलर प्लेट में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, या सोलर प्लेट में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और कंप्यूटर के आईसी चिप्स में भी सिलिकॉन का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक वाट का मान कितना होता है, मैंने अभी तुरंत बताया एक वाट का मान क्या होता है, एक जूल सेकंड, क्या होता है एक जूल सेकंड। अब कहेंगे आप कैसे, तो देखिए वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, किसका है शक्ति का, और शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को, ठीक है, यानी कि कार्य करने की दर, यानी कि कितने समय, कितना समय में, यानी इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को शक्ति कहते हैं, यानी वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क कैसा है मात्रा, यानी कार्य कैसा है मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। और कह रहा है एक वाट, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, तो एक वाट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक जूल पर सेकंड। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था। अब आगे कह रहा है एक किलो वाट का मान क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, जब एक वाट का मान कितना हो गया, एक जूल पर सेकेंड, ठीक है, तो एक किलो वाट, तो किलो वाट का मतलब हो गया हज़ार, किलोवाट का मतलब हज़ार, तो एक को जब हज़ार से गुना करेंगे तो एक हज़ार, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तो हज़ार होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ हज़ार से गुना होगा, तो हज़ार जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, हज़ार जूल प्रति सेकंड। आगे कह रहा है अश्वशक्ति किसका मात्रक है, तो शक्ति का ही ऐसा ही मात्रक है, और एक अश्वशक्ति का वैल्यू कितना होता है, 746 वाट, यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए शक्ति और ऊर्जा में कौन समय पर निर्भर करता है, तो शक्ति कैसे, तो देखिए शक्ति का मतलब ही क्या होता है कि कितने समय में कोई व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, तो जितना समय लेगा किसी काम को करने में उसी को तो शक्ति कहते हैं। लेकिन क्षमता का मतलब ये नहीं होता है कि वो टाइम पर निर्भर करेगा, ठीक है, कार्य ये जो होता है ऊर्जा, ठीक है, ये समय पर निर्भर नहीं करता है, शक्ति समय पर निर्भर करता है। आगे देखिए एक किलो वाट का मान कितने न्यूटन के बराबर होता है, एक न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है, एक किलो वाट जो होता है एक न्यूटन के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला है एक किलो वाट घंटा का मान कितना होता है, मैंने तुरंत बताया था एक किलो वाट घंटा का मतलब क्या होगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, या इसी को याद रखेंगे 36 × 10⁵ जूल, कैसे डिराइव होता है मैंने ऊपर इसी वीडियो में बताया है। अगला है शक्ति का व्यंजक क्या होता है, तो मैंने कितनी बार इसी वीडियो में बता दिया, शक्ति होता है वर्क अपॉन टाइम, इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा किए गए कुल कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। चलिए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वह चलता है इस डायरेक्शन में तो पैर के द्वारा उस पर बल, मिट्टी पर बल किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में, तब तो कभी देखा ही होता है, कई बोले तो लाइकेन वाला जहाँ पर फिसलन वाला जगह होता है वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आगे की ओर चलना प्रारंभ करता है तो वो क्या होता है, स्लिप करके मुंह के बल गिरता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल का मान कम होता है, घर्षण बल पीछे की ओर लगता है, इस व्यक्ति के द्वारा घर्षण बल पीछे की ओर लग रहा है आगे चलने के लिए, तो जो आगे चलने के लिए जो बल लग रहा है घर्षण बल किसके तरफ लग रहा है, पीछे की ओर, यानी गति के विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है, जाना चाह रहा व्यक्ति इधर लेकिन उसके द्वारा घर्षण बल लग रहा है विपरीत डायरेक्शन में, तो कभी भी घर्षण बल जो लगता है वह किधर लगता है, गति के विपरीत डायरेक्शन में। तो वही कह रहा है कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे है जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, ठीक है, जब बल इधर लग रहा हो और विस्थापन भी इधर ही हो तो किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए बल इधर लग रहा था और विस्थापन उसके विपरीत होता तो नेगेटिव होता, ठीक है, अगर मान लीजिए कि बल इधर बल मान लीजिए ऊपर की ओर लग रहा था और विस्थापन इधर था, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा, जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। आगे देखिए प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है द्रव्यमान ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू MC² जिसको किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। क्या है द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण, या व्यंजक भी कभी कभी कह देगा, तो E इज इक्वल्स टू MC² हो जाता है। अगला देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया।
तो सापेक्षता का सिद्धांत का जो समीकरण होता है वह क्या होता है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, वही सापेक्षता का भी और वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी। तो ये सभी एक दूसरे से रिलेट करके पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी गुना होता है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 mv². ठीक है, अगर उसका वेग 4 गुना कर दिया जाए, ठीक है, वेग क्या कर दिया जाए, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, मास तो वही है, वेग 4 गुना कर दिया गया। ठीक है, तो वेग जब 4 गुना कर दिया जाएगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वह कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कहेंगे कैसे, तो देखिए m1 है, ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये हो जाता है mv के, ठीक है, समानुपात। ठीक है, mv² तो m तो 1 है, v हो गया आपका, v भी 1 था, लेकिन यहाँ पर जब 4 गुना कर दिया तो v कितना हो जाएगा, 4 गुना, 4 गुना का स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर है, भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का योगदान कितना है, 3% है। नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार से होता है, एक तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होगा और एक नाभिकीय विखंडन के माध्यम से होगा। ठीक है, एक होगा आपका संलयन और एक होगा विखंडन। ठीक है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन, और यहीं आपका हाइड्रोजन बम जो बनता है वह भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, और परमाणु बम जो बनता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। ठीक है, आप यदि इसको डिटेल में जानना चाहते हैं नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम डिटेल में बता देंगे। ठीक है, कि नाभिकीय विखंडन जो होता है अनियंत्रित या नियंत्रित भी होता है, तो इसको शांत करने के लिए क्या क्या किया जाता है, वो सारा चीज़। चलिए आगे देखते हैं, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 4th स्थान है। ठीक है, भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो वो हो जाएगा 4th। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए पवन का वेग कितना होना चाहिए, तो पवन का वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है तो वहाँ पर जो एनर्जी है वह रिलीज़ नहीं होगा। पवन का वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, डेनमार्क में ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 53 प्रश्न थे वर्क पावर एंड एनर्जी से। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने जितने भी प्रश्न इसमें करे हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप इतना करके जाते हैं तो श्योर कर देता हूँ आपको कि आपका जो आगामी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे आएंगे, 100% आएंगे। अगर आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्वनि जो होता है वह कंपन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी चीज़ में जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा, ठीक है, वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व जो है वह आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि अनुदैर्घ्य तरंग आखिरकार होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, तरंग जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग, ठीक है, और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग जो होता है इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक तरंग को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है यांत्रिक तरंग का ही उदाहरण है, क्योंकि यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा और एक हो जाएगा अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है उस तरंग को कहा जाता है जिसमें तरंग जो होता है जिस ओर ट्रैवल करता है उस के समानांतर उस मीडियम का कण अगर ट्रैवल करता है तो हम कहते हैं वह किस प्रकार का तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। यानी कहने का मतलब कणों का जो मूवमेंट होता है वह वेव के मूवमेंट के अगर पैरेलल हो रहा हो, ठीक है, समानांतर हो रहा हो तो अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे, और यदि लंबवत हो रहा हो यानी कि वेव का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और उस मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स है उसका डायरेक्शन इधर है यानी कि 90° का एंगल बना रहा है, लंबवत है, तो वह कहलाएगा अनुप्रस्थ तरंग। जैसे आपने गौर किया होगा यदि
नदी में आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो वह क्या होता है, इस तरीके का राउंडेड राउंडेड बनना स्टार्ट होता है। तो आप गौर करिएगा, पानी का जो सतह होता है उसको गौर से देखिएगा, तो जो पानी का सतह होता है वह कुछ इस तरीके से मूव करता है। यानी कहने का मतलब है कि यह क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। यानी तरंग का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन उस मीडियम का यानी कि पानी का जो मीडियम है यानी पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो ट्रेवल करने का डायरेक्शन क्या है, एक बार ऊपर है एक बार नीचे है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अगर शांत जल है तो वह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। चलिए, किसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगला है, किस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मैंने तुरंत बताया अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखें किस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अनुप्रस्थ तरंग के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है आपका लाइट यानी कि प्रकाश। अब देखिए, चंद्रमा पर ध्वनि को क्यों नहीं सुना जा सकता, देखिए मैंने अभी तुरंत बताया कि अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है उसके ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मीडियम की आवश्यकता होती है, और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं होता है, वहाँ होता है वैक्यूम, ठीक है, यानी कि निर्वात। और ये भी कह सकते हैं निर्वात है मतलब वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जब विस्फोट होगा तो धरती पर उसका आवाज़ कब सुनाई देगा, कभी नहीं सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्वनि जो होता है, आवाज़ जो होता है, इसके संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और अंतरिक्ष में मीडियम नहीं होता है यानी वायुमंडल नहीं होता है, वैक्यूम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। अगला है, यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कानों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर हो तो ऐसे तरंग को क्या कहा जाएगा, मैंने तुरंत बताया। देखिए, मान लीजिए कि तरंग संचरण का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, और इसी के समानांतर ही अगर कण का मूवमेंट हो रहा है, वही कह रहा है ना, यदि तरंग संचरण के क्रम में, ये तरंग संचरण का क्रम में माध्यम के कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर हो, कणों का कंपन, तो यह किस प्रकार का कहलाएगा तरंग, तो यह कहलाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य। और यदि लंबवत हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ। अगला है, माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो तो उस तरंग को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग। याद रखिएगा, समानांतर जब भी बात आएगा तो अनुदैर्ध्य, और लंबवत आएगा तो अनुप्रस्थ, ठीक है। और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अब देखिए, क्या ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। चलिए, क्या ध्वनि पर दाब का प्रभाव पड़ता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता है, लेकिन ताप का जरूर पड़ता है, ठीक है, ताप का पड़ेगा, आर्द्रता का पड़ेगा, ठीक है। जब ताप और आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, अलग अलग मीडियम में ध्वनि का जो चाल होता है वह अलग अलग होता है। जैसे पूछ रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है, ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है, इस्पात में। एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रेवल करेगा वो सॉलिड में करेगा, ठीक है, उससे कम किस में करेगा, लिक्विड में पर करेगा, उससे कम गैस में करेगा, क्यों, सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल क्यों करता है, क्योंकि सॉलिड के जो कण होते हैं वह काफ़ी क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, ठीक है, काफ़ी नज़दीक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यह सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें जो कण होंगे वह काफ़ी क्लोज्ड पैक्ड होंगे, ठीक है, काफ़ी क्लोज्ड। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो इसमें जो कण होंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम गैस की बात करेंगे तो इसमें कण काफ़ी दूरी पर होते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर कोई भी मान लेते हैं कंपन उत्पन्न किया जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जल्दी जल्दी टक्कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा तेज, यहाँ पर थोड़ा धीमा होगा, यहाँ पर और धीमा होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो सॉलिड होता है उसमें साउंड जो होता है वह काफ़ी तेज़ी से ट्रेवल करता है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक इसमें होगा, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, इस्पात सॉलिड होता है। तरंग दैर्ध्य कैसे मात्रा क्या है,
मीटर और तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से इंडिकेट किया जाता है, जिसे उल्टा वाई के जैसा लिखा जाता है। अगला है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, मैंने अभी तुरंत बताया अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। चलिए ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्वनि तरंगों का एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। आगे है ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, ठीक है, किस में मापा जाता है डेसिबल में। अगला है ध्वनि की तीव्रता क्या है, हर्ट्ज जो होता है। एल्यूमिनियम में ध्वनि के चाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6420 मीटर पर सेकंड या 6420 मीटर पर सेकंड। उसके बाद है लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहा में ध्वनि की चाल। 23वां नंबर प्रश्न है तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य को मैंने अभी तुरंत बताया लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है, जिसे उल्टा वाई जैसा लिखा जाता है, ठीक है। तो और तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक यदि पूछ लेता है तो वो मीटर हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर, और सूचित किससे किया जाता है लैम्ब्डा से। चलिए अगला है आवृत्ति को किससे सूचित किया जाता है, तो आवृत्ति को न्यू से सूचित किया जाता है। न्यू कैसे लिखा जाता है, वी टाइप का लिखा जाता है, ठीक है, इस टाइप का न्यू लिखा जाता है। अगला है साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है, तो जो हमारा जो गला होता है, गला में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको लैरिंग्स कहा जाता है, और इसी लैरिंग्स के वजह से हम लोग बोल पाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, साउंड बॉक्स कहलाता है। अब कहा जाता है सामान्य बातचीत में कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, तो जब हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, 40 से 50 डेसिबल, ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। आगे है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो देखिए 20 हर्ट्ज से यदि कम आवृत्ति की ध्वनि है तो उसे कहा जाता है अवश्रव्य या अपश्रव्य ध्वनि। आगे है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इस ध्वनि को कहा जाता है श्रव्य ध्वनि, ठीक है, श्रव्य ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और मनुष्य किस आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, जिसे कहा जाता है श्रव्य ध्वनि, ठीक है, किसे कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही साउंड सुन सकता है, 20 से ना तो कम सुन सकता है और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड को सुन सकता है। अगला है ध्वनि का टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर प्रतिध्वनि, ठीक है। आपने लाइट में पढ़ा होगा कि यदि कोई सरफेस है और इस पर यदि कोई लाइट आती है, ठीक है, तो टकराने के बाद फिर से उसी मीडियम में लौट जाती है, ठीक है, और इस पर यदि एक हम नॉर्मल खींच दें तो जितना एंगल इंसिडेंट एंगल बनता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है। साउंड में भी इसी तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कि यह आपतित ध्वनि है और यह परावर्तित ध्वनि है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, तो यही क्वेश्चन है आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। और साउंड किसी भी वस्तु से टकराकर जब वापस लौट आती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से श्रोता की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी अगर आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वहाँ से सुनने वाले व्यक्ति की के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होता है, कभी कभी फीट में भी पूछ दिया जाता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। आगे है प्रतिध्वनि सुनने के लिए डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का, जिसको आम भाषा में अपने लोग क्या बोलते हैं, आला। आप गौर किया होगा कान में लगा करके वो जो स्टेथोस्कोप होता है यानी आला होता है, सीने पर या फिर नर्व्स पर रख करके क्या किया जाता है, सुनने का प्रयास करा जाता है। अगला है चमगादड़ रात के अंधेरे में किसकी सहायता से शिकार कर पाता है, तो देखिए चमगादड़ जो होता है वह अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड यानी कि प्रतिध्वनि या परश्रव्य ध्वनि को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका चमगादड़ है, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, अगर इसके सामने कोई चीज़ आता है तो अल्ट्रासाउंड इसे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर के आता है, जिससे चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे कोई चीज़ है, या तो पत्थर है या कोई शिकार है, इसको पता चल जाता है। अगर मान लेते कोई पत्थर है तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा, और अगर शिकार है तो इसको क्या कर जाएगा, चट कर जाएगा। तो वही अल्ट्रासाउंड के कारण ही क्या होता है, रात के अंधेरे में उड़ पाता है और शिकार कर पाता है, या फिर किसी भी वस्तु से टकराने से ये बच जाता है। तो वही चमगादड़ रात के अंधेरे में किसकी सहायता से शिकार कर पाता है, तो प्रतिध्वनि यानी परश्रव्य ध्वनि की सहायता से। आगे अल्ट्रासाउंड में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड में प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है।
सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। अब देखिए कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कान में जो होती है वह टोटल 3 हड्डियाँ होती है, एक कान में, दोनों कान में मिला करके 6 हड्डियाँ हो गए। तो हड्डियाँ कौन कौन सी होती है? एक होता है मुग्धरक, दूसरा निहाई, तीसरा वलयक, ठीक है। और ये जो वलयक है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन, जिसको स्टीरप या स्टेप्स या स्टेपीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, ठीक है, जिसको हम लोग उड़ू के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेप्स या स्टीरप, और बड़ी हड्डी कौन? उड़ू या फिर फीमर, जो कहाँ पाया जाता है? जांघ में। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है समुद्र में छिपी हुई जहाज़ का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार का फुल नेम क्या होता है? मैंने तुरंत बताया था, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। अब देखिए स्टीरप हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मध्यकर्ण में पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर तक रहता है? यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उस साउंड का जो इफेक्ट होता है ये हमारे मस्तिष्क पर कितने देर तक रहता है? तो 1/15 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि के 3 लक्षण क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्वनि का 3 लक्षण होता है, तारत्व, प्रबलता और गुणता। अगला है ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना समझा जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का जो साउंड होता है वह मोटा या पतला किसके कारण होता है? तारत्व के कारण, ठीक है। और तारत्व क्या है? ध्वनि का एक गुण है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत महत्तम यानी कि श्रृंग अथवा न्यूनतम स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। दूरी को के तरंग को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। जैसे देखिए, ठीक है, यहाँ से कोई तरंग स्टार्ट हुआ इस तरीके से गया, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो डायरेक्शन है ये ऊपर, ठीक है, तो यह हो गया महत्तम, तो इसको बोलते हैं श्रृंग, और यह हो गया न्यूनतम, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? गर्त। तो यहाँ पर कह रहा है 2 क्रमागत महत्तम, यानी 2 क्रमागत महत्तम यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, या 2 क्रमागत क्या? गर्त, न्यूनतम स्थिति यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस का जो तरंग होता है उसे क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा। अगला है, एकांक समय में तय की गई दोलन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल, ठीक है। यानी कि एक दोलन पूरा करने में जितना भी समय लगेगा उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे? एक आवर्तकाल कहेंगे। अगला है, वर्षा के समय बिजली की चमक तुरंत जबकि मेघ गर्जन पहुंचने में अधिक समय लगता है। तो देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो साउंड होता है ना, इसका जो चाल होता है वह लाइट के चाल से कम होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड काफ़ी अधिक होता है और साउंड का जो स्पीड होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है। अगर हम लाइट के स्पीड की बात करें तो कितना होता है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मीटर 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा? 3×10^8 मीटर, ठीक है। लेकिन वही अगर हम साउंड की बात करेंगे तो 332 मीटर पर सेकंड जाता है मात्र। तो समझ सकते हैं कि साउंड का जो स्पीड होता है वह काफ़ी कम होता है और लाइट का स्पीड काफ़ी अधिक होता है। तो जब वर्षा होता है तो लाइट का स्पीड अधिक होने के कारण लाइट हमें पहले दिखाई देती है, यानी बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और साउंड हमें बाद में सुनाई पड़ती है। तो क्या कहा गया? वर्षा के समय बिजली की चमक तुरंत जबकि मेघ गर्जन पहुंचने में अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंग की चाल ध्वनि तरंग से अधिक होती है। किसके बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ जाता है? तो मैंने शुरू में ही बताया था, ताप और आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है? ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है? तो ताप और आर्द्रता दोनों का पड़ता है। आगे, लड़कियों की आवाज़ सुरीली या पतली क्यों होती है? देखिए आवाज़ सुरीली या पतली कब होगा? जब तारत्व अधिक होगा, ठीक है। तारत्व अधिक होने से आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है, और आवृत्ति बढ़ने से क्या होगा? आवाज़ सुरीली या पतली हो जाएगी। तो जो लड़कियों की आवाज़ सुरीली या पतली इसलिए होती है क्योंकि उसका जो साउंड होता है उसका तारत्व अधिक होता है, यानी कि तारत्व जितना अधिक होगा साउंड उतना पतला होगा, और तारत्व जितना कम होगा साउंड उतना अधिक क्या होगा? मोटा होगा। तो लड़कों में क्या होता है कि साउंड का जो तारत्व होता है वह कम होता है, जिसके वजह से इसका जो साउंड होता है काफ़ी मोटा और भारी होता है, लेकिन लड़कियों में इसका ठीक उल्टा। आगे है, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रबलता,
ध्वनि जितना प्रबल होगा उतना तेज सुनाई देगा और जितना कम प्रबल होगा उतना धीमा सुनाई देगा। ठीक है, तो प्रबलता का मतलब क्या हो गया, तेज या कम सुनाई देना। आगे है, चमगादड़ कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो वह उत्पन्न कर सकता है 100,000 हर्ट्ज, 100,000 बोले तो 1,00,000। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का श्रुति निर्बंध क्या है, 1/15 सेकंड। अब आपके मन में आता होगा कि श्रुति निर्बंध क्या होता है। श्रुति निर्बंध कहने का मतलब होता है कि कोई भी साउंड का इफेक्ट ब्रेन पर कितने टाइम तक रहता है। ठीक है, तो किसी भी साउंड का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर जितने टाइम तक रहता है उसे कहा जाता है श्रुति निर्बंध। और कोई भी साउंड का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर कितने टाइम तक रहता है, 1/15 सेकंड तक। ठीक है, फिजिक्स 9th क्लास का जो भी चैप्टर है सारा का सारा कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.